हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगैन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ये क्लास 12th कंप्यूटर साइंस CS1 का फर्स्ट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जो भी सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो ये वन शॉट काइंड ऑफ वीडियो होगा, और ये अभी जो कुछ ही दिनों में एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम जो सिर्फ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, उनके रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इजी है टू अंडरस्टैंड, और इसमें ज़्यादा एल्गोरिथम्स या फिर इसी तरह से कुछ कोडिंग वोडिंग का भी कुछ काम नहीं है। तो ये ज़्यादा थियोरेटिकल काइंड ऑफ चैप्टर है, तो समझने के लिए ईजी है। और इसका वेटेज जो है वो 22 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर ये C++ के बाद ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम कह सकते हैं। तो आपको ये इसे स्किप नहीं करना है, और अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको सारे कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो कुछ भी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको ये रिविजन काइंड ऑफ के लिए सुनना है, तो आप इसकी स्पीड जो है ये इस वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ाकर इंक्रीज करके आप सुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम पढ़ने जा रहे हैं, और हम ये डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ने जाएंगे। और इसके अंदर हम व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और इसके अंदर जो ओवरव्यू है OS का, जिसके अंदर विंडोज 98, विंडोज NT और लिनक्स है, वो डिलीटेड है। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसके बाद कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं। और फिर इसके बाद जो GUI वाला कॉन्सेप्ट है वो डिलीटेड है, वो हम स्किप करने वाले हैं। और फिर डायरेक्टली हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स जो होते हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वो पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये अगर वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी अगर हुआ, तो भी आप थोड़ा टाइम इसमें इन्वेस्ट करके पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसे कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22 लेक्चर्स लग जाते हैं, जो कि हम एक पूरे सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और मैं आपको बता दूं कि यही 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हम इसे किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इसमें डेफिनेशंस जो है पॉइंट वाइज हमें लिखना होता है एग्जाम पेपर में, तो हमें ये ध्यान रखना है, हम इसे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम OS जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या, बेसिकली वो एक इंटरफेस है। तो कुछ कीवर्ड्स जो है जो हम इसमें हाईलाइट करते जाएंगे, वो आप टेक्स्ट बुक आपके साथ रख लीजिए ताकि आपको आसानी हो, और जो भी आप पढ़ेंगे तो वो बस कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, और उसी के रिलेटेड आप खुद से भी सेंटेंस जो है वो फ्रेम करके लिख सकते हैं एग्जाम्स में। सो पहला है कि वो क्या होता है, एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब जो यूजर है और हार्डवेयर है उसके बीच में एक इंटरफेस जो होता है उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट इन विच यूजर में एक्जीक्यूट प्रोग्राम्स, तो हमारा सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा कि इसका पर्पज क्या है। तो हमें बस कीवर्ड्स याद रखने हैं, सबसे पहला इंटरफेस हो गया, फिर सेकेंड है कि उसका पर्पज क्या है। तो पर्पज है टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट, ताकि यूजर जो कि प्रोग्रामर है वो सारे प्रोग्राम्स अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, तो उसके लिए एक फ्रेंडली एनवायरमेंट होना चाहिए, तो उसका ये पर्पज होता है। फिर हमें इसके प्राइमरी और सेकेंडरी गोल्स पढ़ने हैं, तो थर्ड पॉइंट होगा द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम is thus to make computer system convenient to use, और सेकेंडरी गोल होगा कंप्यूटर हार्डवेयर को इफिशियंट मैनर में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे चार पॉइंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, और यहाँ पे और भी हम कुछ देखेंगे उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो। तो इस तरह से 3 मार्क्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली हमें 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। सो हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमें इंटरफेस के बारे में लिखना होगा, सेकेंड है कि उसका पर्पज क्या है, टू प्रोवाइड एनवायरमेंट ताकि यूजर अच्छे से प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सके, और फिर उसका प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है उन्हें हम ज़्यादा कन्वीनियंट बना सके यूज़ के लिए, और फोर्थ पॉइंट है उसका सेकेंडरी गोल, ताकि कंप्यूटर हार्डवेयर को भी हम उसे इफिशियंट मैनर में उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स, तो हमें ये याद रखना है बेसिक जो डेफिनेशन है, 4 पॉइंट्स यहाँ पर, और इसके जो 4 कंपोनेंट्स है वो हमें याद रखने होंगे।
सो फर्स्ट इसका कंपोनेंट है हार्डवेयर, जो कि कंसिस्ट करता है सीपीयू, मेमोरी, आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेट्रा। फिर हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। फिर है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यानी कि कंपाइलर्स हो सकता है, डेटाबेसेस, वीडियो गेम्स, बिजनेस प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। और फिर लास्टली जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है यूजर, वो पीपल हो सकते हैं या फिर मशीन्स या फिर कोई अदर कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए इस तरह से हम ये चार ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहला होगा यूज़र, हम देख सकते हैं ये यूज़र है और ये पूरा कंप्यूटर का सिस्टम है, और इसके बीच में जो इंटरफेस हो रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। हम देख सकते हैं ये यूज़र है और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कोई भी डेटा जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर से यूज़र में जाता है तो उसके बीच में जो इंटरफेस होता है यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और जब भी हमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम या इस तरह से कुछ क्वेश्चंस, तो हमें ये डायग्राम भी बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये काफ़ी सिंपल डायग्राम है, इस तरह से आपके 3 to 4 marks यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप ये खुद से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि बेसिक रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। तो बेसिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स मीन्स फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, जो कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, इनके यूज़ के लिए कन्वीनियंटली हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए जो सारे ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम करता है उसके लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हेल्पफुल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज रिसोर्स एलोकेटर, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो सारे काम है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा के रिलेटेड, वो इसे वो जो ओएस है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो इसे एलोकेट करता है, तो हम इसे रिसोर्स एलोकेटर भी कहते हैं। द रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, टाइम, मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेट्रा, सभी कुछ जो है एलोकेट करते हैं प्रोग्राम्स के लिए, और वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमें व्यूड एज कंट्रोल प्रोग्राम भी। तो हमें कुछ ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं जो बॉक्स में बना रही हूँ या फिर जो हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको याद रखने हैं, और अगर आपने एग्जाम में वही पॉइंट्स लेकर अगर आपने थोड़ा इलैबोरेट किया तो आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द यूजर प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर। और ये किस तरह से होता है वो हम अभी डिटेल में सब पढ़ने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेक्स प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिर्फ इससे ही तरह का कोई भी तरह का इंटरफेस नहीं है, बल्कि वो एक सिक्योरिटी यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन भी यूजर को प्रोवाइड करता है, यानी कि जो कुछ भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिक्योर तरह से हो। और फ्रेंड्स, यही सिक्योरिटी के रिलेटेड हम लास्ट में ये पूरा पढ़ने जा रहे हैं, जो कंप्यूटर वर्म्स होते हैं, कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, उनके बारे में। सिमिलरली इट कीप्स अ ट्रैक्स ऑफ ऑल द फाइल्स एंड ऑल द सेक्टर्स एलोकेटेड टू देम। इट ऑल्सो कीप्स ट्रैक्स ऑफ फ्री सेक्टर्स टू बी एलोकेटेड टू न्यू फाइल्स। और सारा जो एलोकेट करने का काम होता है और डिलीट करने का काम होता है वो सब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैरी आउट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एलिमिनेट्स डुप्लीकेट एफर्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स, यानी कि अगर हमें एक पर्टिकुलर रूटीन है और उसे हमें बार बार करना है, अगर वो काम हमें दोहराना है तो बार बार जो एफर्ट्स लगते हैं वो एलिमिनेट करता है ओएस। वंस दीज रूटीन्स आर डेवलप्ड बाय द सिस्टम डेवलपर, एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन मेक यूज ऑफ इट। तो एक बार हम सिस्टम डेवलपर उसे डेवलप कर लेता है तो जो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो उसे यूज कर सकते हैं, और इसका ख्याल रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आपको 4 marks का टोटल क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिस्ट द सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपको एक इंडिविजुअल इस तरह से सवाल दिया जा सकता है कि इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करो और उनके जो सिस्टम कॉल्स हैं उनके सर्विसेज हैं उन्हें एक्सप्लेन करो। इस तरह से आपको ये 1, 2, 3 इस तरह से तीन जो कुछ भी है वो हमें सर्विसेज मेंशन करने होंगे विद प्रॉपर उनका जो सिस्टम कॉल्स है वो जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, तो हम ये अच्छे से पढ़ेंगे। सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सर्टेन सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड टू द यूजर्स ऑफ दोज प्रोग्राम्स। देर आर 3 major कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज जो हमें याद रखना है, IM, PM और MM। फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, सेकेंड है प्रोसेस मैनेजमेंट और थर्ड है मेमोरी मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, ये जो है 3, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट, वो हम अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो कि सर्विस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, वो है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि IM. इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट IM रेफर्स टू द सेट ऑफ सर्विसेज. हम सर्विसेज की ही बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ये सारे सर्विसेज हैं. तो फर्स्ट पॉइंट वही हो गया कि इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट रेफर्स टू अ सेट ऑफ सर्विसेज यूज फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग, मॉडिफाइंग और रिमूविंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन वेरियस डिवाइसेज. सो फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है किसके काम आता है ये सर्विस. बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट स्टोर करता है, सेकेंड रिट्रीव करता है, थर्ड मॉडिफाई करता है और फोर्थ रिमूव करता है. क्या? तो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट. तो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है ये सारे सर्विसेज हो गए. दी सिस्टम सर्विसेज मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग द सेक्टर्स टू वेरियस फाइल्स, इंश्योरिंग राइट पीपल हैव एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन एंड ड्राइविंग वेरियस डिवाइसेज. सो फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है इस तरह से कि सबसे पहला जो सर्विस है वो किसके रिलेटेड है. पहला स्टोरिंग, रिट्रीविंग, मॉडिफाइंग और रिमूविंग, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट कुछ इस तरह से होगा कि ये थोड़ा हम डिटेल में इसी फर्स्ट पॉइंट को हम थोड़ा एलैबोरेट करेंगे. हम लिखेंगे कि ये जो सर्विस है क्या वो क्या मैनेज करता है. सो फर्स्ट थिंग कि इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन वो मैनेज करता है. कौन से टर्म्स में? डायरेक्टरीज और फाइल्स. हमें पता है कि सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में किसके अंदर स्टोर होते हैं? फाइल्स और डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर होते हैं. और उनके लिए हम कुछ सेक्टर्स एलोकेटेड होते हैं वेरियस फाइल्स के अंदर. तो एलोकेशन यानी कि वो जगह को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना मतलब काम होने पर उन्हें फ्री करना, और तो और राइट पीपल उन्हें एक्सेस कर सके उसका ख्याल रखना. ये सारा जो कुछ भी काम है वो हमें इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो इसके अंदर कुछ हमारे सिस्टम कॉल्स होते हैं. ये 10 सिस्टम कॉल्स हमें वर्ड टू वर्ड एज इट इज याद रखने हैं. बहुत सिंपल है वैसे भी. हमें बस ये याद रखना है कि ये जो पूरा हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है, डेटा के रिलेटेड है. तो उसके हिसाब से हम पहला पढ़ेंगे क्रिएट अ फाइल, फिर दूसरा है क्रिएट अ डायरेक्टरी. तो हमने देखा कि डायरेक्टरीज और फाइल्स के फॉर्म में वो सारे इन्फॉर्मेशन सेव्ड होते हैं. तो पहला फाइल को क्रिएट करना, दूसरा डायरेक्टरी को क्रिएट करना, तीसरा है ओपन अ फाइल फॉर रीड राइट या फिर दोनों के लिए. नेक्स्ट है ओपन करेंगे तो क्लोज भी तो कर सकते हैं, तो क्लोज अ फाइल. तो फिफ्थ है रीड डेटा फ्रॉम फाइल टू बफर, बफर का मतलब होता है रैम. फिर है राइट डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल, रीड करना, राइट करना, बफर का मतलब होता है रैम यहाँ पर. फिर है मूव द फाइल पॉइंटर, मतलब जो फाइल के ऊपर जो हम पॉइंटर है वो कहीं भी तो मूव करना वगैरह. रीड एंड रिटर्न फाइल स्टेटस, मतलब जो फाइल का जो कुछ भी स्टेटस है उसे रिटर्न करना, रीड करना और रिटर्न करना. फिर है क्रिएट अ लिंक और फिर है लास्टली चेंज वर्किंग डायरेक्टरी. तो हम डायरेक्टरी पर ही आ रहे थे, स्टार्ट हमने डायरेक्टरी से किया था, एंड हम डायरेक्टरी पर करेंगे. सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम याद रख सकते हैं रीड डेटा फ्रॉम फाइल टू बफर, राइट डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल. वो हम याद किस तरह से करेंगे, मतलब कौन कहाँ पे रीड कर रहा है वो हम यहाँ पे इस तरह से याद रखेंगे R से रीड, और जो कुछ भी एंड हो रहा है बफर मतलब R, तो फिर यहाँ पे हम रीड और बफर को एक साथ रखेंगे. तो रीड डेटा फ्रॉम फाइल टू बफर यानी कि फाइल से हम रैम के अंदर जो कुछ भी डेटा है वो हम रीड कर रहे हैं. दूसरा है राइट डेटा फ्रॉम बफर यानी कि रैम टू फाइल. सो फ्रेंड्स, जो कुछ भी रैम के अंदर डेटा है वो हम राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर, और सारे जो फाइल के रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है, यही सारे ये सिस्टम कॉल्स है जो हमें याद रखना है वर्ड टू वर्ड. और ये हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये FAQ है यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. बढ़ते हैं आगे प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि PM. ऑल्सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि ये जो सारा पेंसिल से लिखा है उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा. स्टार्ट करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी कि MUOP, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. अ नंबर ऑफ यूजर्स लोकेटेड एट डिफरेंट टर्मिनल्स रन द सेम ऑल डिफरेंट प्रोग्राम्स. कंप्यूटर हैज ओनली वन CPU एंड कैन एग्जीक्यूट ओनली वन इंस्ट्रक्शन बिलोंगिंग टू एनी वन ऑफ दीज प्रोग्राम्स. इन सच केस ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द रनिंग प्रोग्राम्स, जो कि हम प्रोसेसेस कहते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली एक सवाल बन सकता है कि व्हाट इज प्रोसेस, एक्सप्लेन प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह इस तरह से. तो हमें ये याद रखना है, हम यहाँ पे जो है वो थियोरेटिकली दिया है, मतलब होता क्या है प्रोसेस. वो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वर्ड हमें याद रखना है. ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत सारे यूजर्स अलग अलग टर्मिनल्स पे लोकेटेड होते हैं और वो एक ही समय पर अलग अलग या फिर सेम प्रोग्राम को रन करते हैं. इस दौरान जो CPU है वो तो एक ही होता है, तो वो एग्जीक्यूट करता है वन इंस्ट्रक्शन बिलोंगिंग टू एनी या फिर ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स. तो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ट्रैक रखता है सारे रनिंग प्रोग्राम्स के, और इन्हीं को हम कहते हैं प्रोसेस. तो प्रोसेस क्या होता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल द रनिंग प्रोग्राम्स. बेसिकली रनिंग प्रोग्राम्स ही हमारे प्रोसेसर्स होते हैं. जो प्रोग्राम्स अभी फिलहाल रन कर रहे हैं, मतलब ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोसेसर्स. तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके रिलेटेड सारा ट्रैक रखता है. ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू स्केड्यूल ऑल प्रोसेसर्स एंड विल हैव टू डिस्पैच देम. तो मतलब वो स्केड्यूल मतलब उसका टाइमिंग फिक्स करता है और उसको डिस्पैच करता है, यानी कि रन या फिर एग्जीक्यूट करता है वन आफ्टर द अदर. एक के बाद एक प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं. बाय डूइंग सो इट गिव्स एन इम्प्रेशन टू द यूज़र एज ही हैज़ द फुल कंट्रोल ऑफ द CPU. तो इस तरह से सारा ये काम होता है कि यूज़र को लगता है कि उसी के पास पूरा कंट्रोल है CPU का, इस तरह से. और वो इस तरह का इम्प्रेशन होता है वो. और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल्स हैं कुछ इस तरह के कि यहाँ पे हमें प्रोसेस के रिलेटेड है, तो सारा कुछ प्रोसेस के रिलेटेड होगा, ये हमें याद रखना है. सबसे पहला क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस आइडेंटिकल टू द पेरेंट. फिर है वेट फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टू डोमिनेट, यानी कि पहला एक सिंपल चाइल्ड प्रोसेस बनाना जो कि उसके पेरेंट से आइडेंटिकल होगा. सेकेंड है कि चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट यानी कि ख़त्म कंप्लीट होने तक हमें इंतज़ार करना है. फिर है टर्मिनेट प्रोसेस, वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद प्रायोरिटी को चेंज करना, चेंज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस. फिर है ब्लॉक अ प्रोसेस, रेडी अ प्रोसेस, डिस्पैच यानी कि एक्जीक्यूट अ प्रोसेस, सस्पेंड अ प्रोसेस, रेज्यूम अ प्रोसेस, डिले अ प्रोसेस. इस तरह से ये सारे जो सिस्टम कॉल्स हैं वो हमें याद रखने हैं वर्ड टू वर्ड. और ये सारे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. आई गेस कि आपको ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा. अभी हम बात कर लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि MM. The services provided under memory management are directed to keeping track of memory and allocating or deallocating it to various processors. यानी कि ये जो सर्विस है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट का सर्विस है वो ये ट्रैक रखता है कि जो कुछ भी सारे प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर जो एलोकेटेड मेमोरी है वो अगर न्यू प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो उन्हें मेमोरी एलोकेट करना, और अगर कुछ प्रोग्राम्स हम डिलीट कर रहे हैं फाइल्स वगैरह तो वो जो मेमोरी है उसे डी एलोकेट करना. तो ये काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का. द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स अ लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी लोकेशंस, यानी कि फ्री मेमोरी जितनी भी मेमोरी फ्री हो रही है उसके लोकेशंस का एक लिस्ट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है. थर्ड पॉइंट, बिफोर प्रोग्राम इज लोडेड इन द मेमोरी फ्रॉम द डिस्क, MM यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट कंसल्ट्स दिस फ्री लिस्ट, allocates the memory to the process and updates the list of free memory. और फोर्थ पॉइंट होगा, द मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम साइज. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस हमें याद रखना है कि मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट होती है, और इसी के रिलेटेड एक लिस्ट होती है मेमोरी मैनेजमेंट के पास. और जब भी एक प्रोग्राम को हम लोड कर रहे होते हैं मेमोरी में डिस्क से, सो फ्रेंड्स तभी जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो फ्री लिस्ट के यहाँ पर कंसल्ट करता है और देखता है कि कितना स्पेस एलोकेटेड हम एलोकेट कर सकते हैं, कोई भी कितना मेमोरी हम दे सकते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम को. और ये सब डिपेंड करता है प्रोग्राम के साइज के ऊपर. सो फ्रेंड्स, ये जो है वो हमें याद रखना है. अब हम देख लेते हैं सिस्टम कॉल्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. सो फ्रेंड्स, इसके सिस्टम कॉल्स कुछ इस तरह से होंगे. फर्स्ट है एलोकेट अ चंक ऑफ मेमोरी टू प्रोसेस, यानी कि जब भी प्रोसेस होता है तभी उसे कुछ मेमोरी एलोकेट करना, और फिर वो प्रोसेस खत्म हो जाने पर, टर्मिनेट होने पर, वो जो स्पेस मेमोरी एलोकेटेड थी उसे फ्री अप करना, यानी कि फ्री चंक ऑफ मेमोरी फ्रॉम अ प्रोसेस. सो फ्रेंड्स, एलोकेट और डी एलोकेट ही हम यहाँ पे कर रहे हैं बेसिक सा. तो हमें याद रखना है मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. और वो जो 10 जो 20 सिस्टम कॉल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस मैनेजमेंट के, वो भी काफ़ी आसान है, वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो. और वो आपको और भी ज़्यादा क्लियरली तब समझ में आएगा जब भी हम इसे फर्दर और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे. इसके रिलेटेड हमें इनडेप्थ भी पढ़ना है. अभी फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं जो ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर विंडोज 98 और विंडोज NT और लिनक्स जो है वो डिलीटेड है. तो हम फिलहाल इसे स्किप करने जा रहे हैं. और सिमिलरली GUI जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो भी डिलीटेड है, तो हम वो स्किप करेंगे अकॉर्डिंग टू द पैंडमिक सिलेबस. और हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे जो कि है कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट. सो फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने बस अभी डिस्कस किया था IM के बारे में, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट. उसी के रिलेटेड और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके लिए वो जो 10 सिस्टम कॉल्स है वो आसानी से आपको बाय हार्ट हो जाएंगे. फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट. IM कंसिस्ट ऑफ टू मेन मॉड्यूल्स यानी कि सब टॉपिक्स आप कह सकते हैं, जो कि है पहला फाइल सिस्टम्स यानी कि FS, दूसरा है डिवाइस ड्राइवर जिसे हम कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट. सो फ्रेंड्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है, तो हमें आसानी से याद रह सकता है इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होता है, फाइल में. दूसरा डिवाइस ड्राइवर, तो ड्राइवर के अंदर हम इन्फॉर्मेशन पेन ड्राइव वगैरह जिस तरह से होते हैं वैसे इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, DD जिसे हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर. और दूसरा है डिवाइस मैनेजमेंट यानी कि DM. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं फाइल सिस्टम्स.
फर्स्ट ऐसे आपको डायरेक्टली इस तरह से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फाइल सिस्टम क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह क्या है. सो स्टार्ट करते हैं. या फिर आपको इस तरह से 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फाइल सिस्टम्स, व्हाट इज़ फाइल टाइप्स, टाइप बेस्ड सिस्टम्स और डिस्क बेस्ड सिस्टम्स, या फिर ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन. तो आपको दो या फिर थ्री पॉइंट्स ईच हमें लिखने होंगे. साथ ही यहाँ पर हम ट्रैक्स एंड सेक्टर्स और हार्ड डिस्क का डायग्राम वगैरह जो कुछ भी इसके रिलेटेड डायग्राम्स है वो भी हमें करस्पॉन्डिंगली बनाने होंगे. सो स्टार्ट करते हैं फाइल सिस्टम्स. फाइल सिस्टम्स एंड IAM यानी कि इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट अलाउज द यूजर टू डिफाइन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड एलोकेट या फिर डीएलोकेट द डिस्क स्पेस टू ईच फाइल. सो फ्रेंड्स, ये जो है फाइल सिस्टम वो करता क्या है? फर्स्ट पॉइंट होगा कि वो यूजर को अलाउ करता है फाइल्स और डायरेक्टरीज को डिफाइन करना. जिस तरह से हम फाइल बनाते हैं, यानी कि हम उसके बेसिकली फाइल्स और डायरेक्टरीज को डिफाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, मतलब डिफाइन कर रहे हैं. साथ ही डिस्क के अंदर जो स्पेस होती है उसे हम एलोकेट या फिर डीएलोकेट करते हैं एक पर्टिकुलर फाइल के लिए. तो ये जो सारा प्रोसेस है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फाइल सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इट यूजेस, सेकेंड पॉइंट होगा, इट यूजेस वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स टू अचीव दिस. तो हमने हमारा जो सेकेंड चैप्टर है जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. थर्ड पॉइंट होगा द फॉर कन्वीनियंट यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. OS प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोरेज. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे OS का काम क्या है? बेसिकली जो कुछ में इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है उसका एक प्रॉपर लॉजिकल तरह से उसका व्यू हमें यूजर को देना, वो इसका काम होता है. फोर्थ पॉइंट होगा, OS implements the abstract concepts of file by managing mass storage devices such as tapes and disk. So friends, आपको ये समझ में नहीं आएगा अभी फिलहाल ये डिस्क क्या है, टेप्स क्या है, फिलहाल अभी तो आप बस ध्यान रख दीजिएगा. और जब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा टेप्स क्या है, डिस्क क्या है. सो बेसिकली जो मास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उन्हें मैनेज करना, ये इनका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का. और ये सारे जो है वो एक्चुअल वाले नहीं होते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हमें वो देते हैं. अ फाइल इज फाइल. सो फ्रेंड्स, फाइल क्या होता है ये कभी कभार ऐसे वन लाइनर के लिए पूछा जा सकता है. तो हमें लिखना है फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. सो फ्रेंड्स, ये वन लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन इफ इट लुक सिंपल, एक वन लाइन ही हमें सबसे पहला हमें ये लाइन लिखना है. जब भी हम फाइल सिस्टम्स लिखते हैं तो हमें पहले फाइल के बारे में बताना होगा. सो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ पॉइंट कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. इट कैन बी प्रोग्राम्स एंड डेटा. प्रोग्राम्स हो सकते हैं, डेटा हो सकता है. डेटा में भी न्यूमरिक, अल्फाबेटिकल या फिर अल्फा न्यूमरिकल, मतलब उसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, या फिर दोनों. देयर इज अ फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बाइट्स, लाइंस और रिकॉर्ड्स. सो फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड्स क्या होता है वो सब हम डेटा स्ट्रक्चर्स में इन डिटेल पढ़ते हैं. तो ये जो फाइल है वो सीक्वेंस होता है बिट्स का, बाइट्स का, लाइन्स का या फिर रिकॉर्ड्स का. अ फाइल इज नेम्ड एंड इज रेफर्ड बाय इट्स नेम. तो फाइल को हम नाम देते हैं और हम उसे उसी नाम से उसे रेफर करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 7 to 8 points बन जाते हैं फाइल सिस्टम से. सो फ्रेंड्स, फाइल सिस्टम्स क्या है वो हमें पता है क्योंकि हम ये डे टू डे लाइफ में से यूज़ करते हैं. अभी हम आते हैं फाइल टाइप्स में. फाइल टाइप्स, अ फाइल हैज अ सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज. सो फर्स्ट पॉइंट होगा कि फाइल के पास एक पर्टिकुलर डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उसके यूज के हिसाब से. सेकेंड पॉइंट है अ टेक्स्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ लाइंस. अ सोर्स फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ सब रूटीन्स एंड फंक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स. ऑब्जेक्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ लोडर रिकॉर्ड ब्लॉक्स. फिर है सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ टाइप फाइल टाइप्स. Unix has only one file type. Your each file is a sequence of 8 bits. So friends, हमें यहाँ पे बस फाइल टाइप्स के बारे में जानकारी दी है, यानी कि कोई अलग अलग तरह के जो फाइल्स होते हैं जैसे टेक्स्ट फाइल्स, ऑब्जेक्ट फाइल्स, सोर्स फाइल्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे वन वन लाइन में हमें इसे मैंशन करना होगा. फाइल क्या है? बेसिकली उसके पास एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उसके यूज़ के हिसाब से, और यूज़ के हिसाब से उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स होते हैं एक लाइन पर्टिकुलर लाइंस में ऑर्गेनाइज होते हैं सारे कैरेक्टर्स. फिर थर्ड पॉइंट होगा हमारा सोर्स फाइल, जैसे कि उसके अंदर सब रूटीन्स और फंक्शंस वगैरह, एग्जीक्यूटेबल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स के सारे जो है सब रूटीन्स और फंक्शंस वो सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं. फिर होता है ऑब्जेक्ट फाइल जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, जो इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लोडर रिकॉर्ड ब्लॉक्स होते हैं. और फिर होता है लास्टली जो कि फिफ्थ पॉइंट है वो है सर्टेन
ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ फाइल टाइप्स, यानी कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फाइल टाइप्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूनिक्स जो है यू से हमें पता चल रहा है यूनरी मतलब वन यूनिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिक्स जो है वो सिर्फ एक ही फाइल टाइप को सपोर्ट करता है। योर ईच फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ 8 bit bytes। सो फ्रेंड्स 8 bit bytes का ये सीक्वेंस होता है हर एक फाइल। सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं टेप बेस्ड सिस्टम्स क्या होते हैं। ओली फाइल सिस्टम्स वो टेप बेस्ड, यानी कि टेप्स के अंदर, जैसे हम अभी डायग्राम में देखेंगे, अगर आप इसे गूगल करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से टेप्स के फॉर्मेट में पहले फाइल्स को हम सेव करते थे। दे आर सिंपल बट इनफिशियंट, हमें ये सारे पॉइंट्स जो है एक पॉइंट है उसे इस तरह से बनाकर लिखने होते हैं कि पहले टेप बेस्ड था और ये सिंपल था लेकिन इनफिशियंट था ये तरीका फाइल को सेव करने का। थर्ड पॉइंट होगा फिजिकल टेप रील्स आर लार्ज बट मोस्ट ऑफ द फाइल्स आर स्मॉल। तो रील्स जो है वो लार्ज रहते थे लेकिन उसके अंदर जो फाइल्स हम सेव करते थे वो काफ़ी छोटे रहते थे, तो ये एक इनकन्वीनियंट तरीका होता था फाइल को सेव करने का। फोर्थ पॉइंट होगा सो मोर नंबर फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन वन टेप, तो ज़्यादा नंबर ऑफ फाइल्स हम स्टोर कर सकते थे एक टेप के ऊपर लेकिन ये इनकन्वीनियंट था। फिफ्थ पॉइंट है कि अ डायरेक्टरी इज एडेड टू अ टेप विच लिस्ट द नेम एंड लोकेशन ऑफ ईच फाइल ऑन द टेप, तो हम डायरेक्टरी भी ऐड करते थे उस टेप को ताकि हम आसानी से उसे लोकेट कर सकते हैं, जैसे हम फाइल को नेम करते थे उसी तरह से। सिक्स पॉइंट ईच टेप विल हैव इट्स ओन डिवाइस डायरेक्टरी, तो हर एक टेप जो है उसके पास एक खुद की डिवाइस डायरेक्टरी होती थी। फाइंडिंग द फाइल ऑन द टेप इस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इसके लिए। ये सारे काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि ये हम पहले यूज़ करते थे और अभी हम ये आउटडेटेड काइंड ऑफ सिस्टम हो गया है जो हम अभी यूज़ नहीं करते, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस काइंड ऑफ अब हमें याद रखने होंगे। तो फाइल को अगर हमें ढूंढना है तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। अनदर प्रॉब्लम वॉज रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द फाइल, और अगर हम फाइल को एक बार सेव करते हैं लोड कर देते हैं उस टेप के अंदर तो उसे मॉडिफाई करना इतना ईजी नहीं होता था। If a file is to be modified, it requires copying the entire tape over. Tapes are used for data transport between machines or for backup or archival storage. So friends, tapes का इसमें इस्तेमाल क्या है वो बताया गया है कि वो एक transport की तरह behave करते हैं, यानी कि machines के बीच में, और data को जब हमें transport करना होता है तो हम tapes का इस्तेमाल करते हैं as mediators वो होते हैं, या फिर बैकअप के लिए या फिर स्टोरेज के आर्काइवल के लिए हम टेप का इस्तेमाल करते हैं। और तो और टेप्स जो हैं मतलब ये जो जब हमें मॉडिफाई करना होता तो वो डिफ़िकल्ट इसलिए होता था क्योंकि हमें पूरे टेप को कॉपी करना होता था और फिर उस जो कुछ में मॉडिफाई करना है वो मॉडिफाई करना होता था, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद आ गया हमारा डिस्क बेस्ड सिस्टम। द प्रॉब्लम विद टाइप बेस्ड सिस्टम्स वर रिजॉल्व विद डिस्क बेस्ड सिस्टम्स। इन डिस्क बेस्ड सिस्टम्स डिस्क इज यूज्ड एंड अ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स। अ सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कैन रीड फ्रॉम और राइट टू द डिस्क। तो यहाँ पे जो हम सेक्टर ये पूरा अगर हम कंसिडर करते हैं तो एक वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इन्फॉर्मेशन का जो कि हम रीड कर सकते हैं या फिर डिस्क के ऊपर वो राइट कर सकते हैं। तो रीड राइट पर्पस के लिए जो सेक्टर्स है वो इन्फॉर्मेशन के अंदर स्टोर होता है। सेक्टर्स वेरी फ्रॉम 32 bytes टू 4096 bytes। देर आर 4 to 32 सेक्टर्स पर ट्रैक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि 4 से लेकर 32 सेक्टर्स हो सकते हैं एक ट्रैक में। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रैक के अंदर सिर्फ यहाँ पे 7 sectors का सेग्रीगेशन दिखाया है लेकिन 4 से लेकर 32 सेक्टर्स हो सकते हैं एक ट्रैक में। एंड फॉर्म 75 to 500 ट्रैक्स पर डिस्क। और फ्रेंड्स हर एक डिस्क सरफेस के ऊपर 75 to 500 ट्रैक्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 179 दिखाया है, वैसे ये बहुत छोटे छोटे इस तरह से ट्रैक्स होते हैं। तो आप इसे गूगल पे इसके इमेजेस देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे ये फिगर में ट्रैक्स एंड सेक्टर्स दिखाए हैं, तो इस तरह से आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा ट्रैक्स एंड सेक्टर्स का। लार्ज डिस्क सिस्टम्स हैव हार्ड डिस्क एंड इट्स रीड राइट मैकेनिज्म इज शोन इन दिस फिगर। तो जो बहुत बड़े डिस्क सिस्टम्स होते हैं, सो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये ट्रैक, ये जो है एक डिस्क सेकेंड डिस्क इस तरह से होता है, बहुत सारे डिस्क सिस्टम्स हैं, ये लार्ज डिस्क सिस्टम है और इसके अंदर हार्ड डिस्क होता है और उसके अंदर की रीड राइट मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे ये जो है वो एक काइंड ऑफ रॉड होता है, यहाँ पर ये इसका आर्म है और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ट्रैक्स हमें दिखाई देंगे ये इस तरह से, और ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में यहाँ पे होता है।
होता है। ये सारा जो दिख रहा है आपको सर्कुलर फॉर्म में वो ट्रैक्स होते हैं, और ये जो है उसका वो रीड राइट हेड है, और फिर ये जो है वो रोटेट होता रहता है। तो जैसे जैसे ये रोटेट होता है तो यहाँ से ये जो फाइल्स है वो भी रोटेट होते हैं, और ये रीड राइट हेड जो है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फाइल लोकेशन वो रीड करता है। तो थोड़ी देर के बाद जब भी वो रोटेट हो जाएगा तो यहाँ पे यहाँ ये जो घूमकर उस साइड में चल जाएगा, तो रीड राइट हेड के बीच में कुछ और होगा। तो इस तरह से ये जो रीडिंग और राइटिंग का प्रोसेस है वो चलते रहता है। दिस इज हार्ड डिस्क। ईच प्लेटर हैज़ टू सर्फेसिस। सो फ्रेंड्स, जो प्लेटर होता है उसके ऊपर दो सर्फेसिस होते हैं, जो हमने सिर्फ वहाँ पे एक इस तरह से देखा था, उसके ऊपर का और नीचे का दो सर्फेसिस होते हैं, बैक एंड फ्रंट। टू एक्सेस अ सेक्टर वी मस्ट स्पेसिफाई द सर्फेस, ट्रैक और सेक्टर। और अगर हमें कोई सेक्टर एक्सेस करना है तो हमें उसका स्पेसिफिक सर्फेस हमें मेंशन करना होगा, आप या अपसाइड या फिर डाउन साइड वाला सर्फेस। ट्रैक हमें मेंशन करना होगा, ट्रैक नंबर और सेक्टर। The time required for read write heads to move the correct track is called as seek time. So friends, यहाँ पे हमें definitions मतलब जो fill in the blanks है उसके अंदर ये पूछा जा सकता है MCQs basically कि seek time क्या होता है, rotational delay मतलब latency time क्या होता है वगैरह। तो हमें ये ध्यान रखना है, बहुत ये confusing लगता है लोगों को, आई डोंट नो वाई, लेकिन ये बहुत सिंपल है। जो टाइम लगता है रीड राइट हेड, जो हमने देखा था इस तरह से जो रीड राइट हेड था और इसके अंदर जो ट्रैक्स थे, ये जो रीड राइट हेड होता है वो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रीड राइट हेड टू मूव द टू द करेक्ट ट्रैक मतलब पर्टिकुलर ट्रैक। ये जो रीड राइट हेड है इसके अंदर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, तो इसको करेक्ट ट्रैक के ऊपर मूव करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं सीक टाइम। देन दे इलेक्ट्रॉनिकली स्विच टू द करेक्ट सर्फेस, और फिर वो वन या फिर जीरो इस तरह से होता है, तो वो करेक्ट स्विच सर्फेस के अंदर वो स्विच हो जाते हैं। एंड देन वी वेट फॉर द रिक्वेस्टेड सेक्टर टू रोटेट बिलो द हेड्स। और जो कुछ भी रिक्वेस्टेड सेक्टर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिक्वेस्टेड सेक्टर है, तो वो रोटेट होकर ये जो रीड राइट हेड्स है उनके बिलो आ जाएगा। तो उसके लिए जो हम इंतज़ार करते हैं, रुकते हैं ये सेक्टर को यहाँ पे आने के लिए, तो उसे हम कहते हैं लेटेंसी टाइम, या फिर काइंड ऑफ वो डिले हम होता है प्रोसेस में, इसलिए उसे कहते हैं रोटेशनल डिले। रोटेट होकर यहाँ पे आने के लिए जो टाइम लैग काइंड ऑफ होता है उसे हम कहते हैं लेटेंसी टाइम या फिर रोटेशनल डिले। तो हमें ये याद रखना है, और ये यहाँ पे वन लाइनर्स के लिए ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन सीक टाइम, रोटेशनल डिले वगैरह, तो हमें ये ध्यान रखना है। अ सिलेंडर इज अ सेट ऑफ ट्रैक्स। सिलेंडर जो हमने वहाँ पे मेंशन किया था इस तरह से जो था, वो सेट ऑफ ट्रैक्स होता है विच आर एट द सेम ट्रैक पोजिशन ऑफ द डिस्क बट ऑन डिफरेंट प्लेटर सर्फेसिस। यानी कि जो सिलेंडर है वो उसके अंदर सेट ऑफ ट्रैक्स होते हैं, लेकिन उसका पोजिशन वेरी हो सकता है। नो सीक इज नेसेसरी फॉर एक्सेसिंग ट्रैक्स इन द सेम सिलेंडर। सो फ्रेंड्स, अगर एक ही सिलेंडर के अंदर वो जो ट्रैक्स अगर हमें एक्सेस करने हैं तो उसके लिए सीक टाइम नहीं लगता है। इनपुट आउटपुट ट्रांसफर्स बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क आर परफॉर्म्ड इन यूनिट्स ऑफ वन और मोर सेक्टर्स। सो फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर्स जो भी होता है मेमोरी यानी कि रैम और डिस्क के बीच में, तभी यानी कि बेसिकली जो भी डेटा मूव होता है, ट्रांसफर होता है, तो ये जो है वो एक या फिर ज़्यादा सेक्टर्स के यूनिट्स के अंदर परफॉर्म होता है। एड्रेसिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर रिक्वायर्स अ ट्रैक। और अगर हमें एक पर्टिकुलर सेक्टर को एड्रेस करना है तो हमें ट्रैक या फिर सिलेंडर हम कह सकते हैं, तो ट्रैक नंबर की जरूरत होती है, सरफेस नंबर की जरूरत होती है, सेक्टर नंबर की जरूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट्स डिस्क एज वन डायमेंशनल एरे ऑफ डिस्क ब्लॉक। तो हमने देखा था कि सारे जो फाइल के अंदर जो सेव होता है वो वन मतलब एक बिट्स के अंदर सेव होता है, तो इसी तरह से एक वन डायमेंशनल एरे की तरह OS से ट्रीट करता है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं ब्लॉक जो कि हमें ज़रूरी है। ईच ब्लॉक इज़ अ सेक्टर। तो हर एक ब्लॉक जो है वो एक सेक्टर है। अगर S है नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक इस तरह से ट्रैक लिया, तो उसके अंदर अगर S नंबर ऑफ सेक्टर्स है एक ट्रैक के ऊपर, और T अगर ट्रैक का ट्रैक है कितने ट्रैक्स हैं वो, और पर सिलेंडर, देन डिस्क एड्रेस सिलेंडर का जो डिस्क एड्रेस होगा यानी कि I, सरफेस होगा जो कि J होगा, और अगर सेक्टर के अगर हम डिनोट करते हैं तो ब्लॉक नंबर यानी कि बेसिकली सेक्टर नंबर हम किस तरह से निकाल सकते हैं, B इक्वल टू K प्लस S मल्टीप्लाइड बाई J प्लस I मल्टीप्लाइड बाई T। और इसके अंदर जो भी हम वैल्यूज़ डालते हैं वो पर्टिकुलर, तो हमें ये सारे वैल्यूज़ उसका जो पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर है वो हमें मिल जाता है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। अ डिस्क हैज़ अ डिवाइस डायरेक्ट्री इंडिकेटिंग विच फाइल्स आर ऑन द डिस्क। तो उसके पास भी एक डिवाइस डायरेक्ट्री होता है, जैसे हमने देखा था TB सिस्टम में, और वो इंडिकेट करता है कौन से फाइल्स कहाँ है डिस्क के ऊपर। अ डायरेक्ट्री लिस्ट द फाइल नेम, लोकेशन, लेंथ, टाइप,
ओनर, टाइम ऑफ क्रिएशन, टाइम ऑफ लास्ट यूज़ और बाकी के सारे जो डिटेल्स होते हैं वहाँ पर वो डायरेक्टरी के ऊपर होते हैं अवेलेबल. सिंस ब्लॉक्स फ्रॉम डिस्क कैन बी rewritten in place, we can read, update and rewrite the directory whenever it is needed to be changed without having a copy of the rest of the disk. So friends, जब भी हमें उसे कुछ modifications करने होते हैं तो हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, unlike tape based systems, और यही इसका एक kind of advantage है. The device directory is used at fixed disk address such as 00001. तो इस तरह से कुछ जो कुछ भी device directory है वो एक particular disk address के ऊपर store होता है और हम उसे वो address को access करके हम device directory के ऊपर पहुँच जाते हैं. So friends, यहाँ पे और भी कुछ concepts हमें सीखने हैं, जैसे blocking, फाइल ऑपरेशंस, अलग अलग जो होते हैं वो, जैसे कि वो हम अभी पढ़ेंगे. पहले ब्लॉकिंग समझ लेते हैं. डिस्क सिस्टम्स हैव अ वेल डिफाइंड ब्लॉक साइज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द सेक्टर. सो फ्रेंड्स, सेक्टर का साइज किस तरह का है उसके हिसाब से एक ब्लॉक साइज डिफाइंड होता है डिस्क सिस्टम में. ऑल डिस्क इनपुट आउटपुट इज इन यूनिट्स ऑफ वन ब्लॉक और ऑल ब्लॉक्स ऑफ द सेम आर ऑफ द सेम साइज. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी जो डिस्क होते हैं इनपुट आउटपुट के अंदर उसके अंदर जो यूनिट्स होते हैं वन ब्लॉक का यूनिट होता है या फिर और सभी ब्लॉक्स जो हैं वो सेम साइज के होते हैं. इन यूनिक्स वन ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 512 बाइट्स, यानी कि 512 बाइट्स होते हैं एक ब्लॉक के अंदर. अ फाइल इज कंसिडर्ड टू बी अ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स. तो फाइल है बेसिकली, जो फाइल है वो सारे ब्लॉक्स का एक सीक्वेंस होता है. All of the basic input output functions operates in terms of blocks. So सारे जो functions हैं वो blocks के terms में, यानी कि जो sequence है file का उसके terms में ये सारे functions performed होते हैं. A file of 1949 bytes, यानी कि 1949 bytes would be allocated four blocks. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना बाइट तक का स्पेस एलोकेटेड होता है और जो लास्ट 99 बाइट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं. एंड दिस कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट में उन्होंने समझाया है, लार्जर ब्लॉक साइज कॉसेस मोर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. सो फ्रेंड्स, अगर ब्लॉक साइज ज़्यादा है और इसके अंदर डेटा अगर कम सेव हो रहा है तो वो ब्लॉक के अंदर ही, फाइल के अंदर ही कम डेटा है और वो हम इसे सेव कर रहे हैं तो लोड कर रहे हैं या फिर, तो उस टाइम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. सो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं फाइल ऑपरेशंस की, जैसे क्रिएटिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल, रीडिंग, रिवाइंड या फिर डिलीटिंग अ फाइल. सो फ्रेंड्स, द फाइल कॉन्सेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम. ये हमें पता है फाइल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक इम्प्लीमेंटेशन है. सिस्टम कॉल्स आर प्रोवाइडेड टू क्रिएट, राइट, रीड, रिवाइंड एंड डिलीट फाइल्स. तो इसके रिलेटेड बहुत सारे सिस्टम कॉल्स भी बनाए जाते हैं ताकि फाइल्स को हम क्रिएट कर सकें, रीड राइट वगैरह कर सकते हैं. तो मैपिंग लॉजिकल फाइल्स इंटू फिजिकल डिवाइसेस किस तरह से होता है, यानी कि ये फाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बीच में होता है एज एन इंटरफेस, और फिर यहाँ पे ये जो फाइल है उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होकर फिजिकल डिवाइसेस के अंदर वो स्टोर हो जाते हैं. तो किस तरह से वो होते हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहला हमें फाइल को क्रिएट करना होगा. सो क्रिएटिंग अ फाइल, टू स्टेप्स आर नेसेसरी टू क्रिएट अ फाइल. पहला है स्पेस इन फाइल सिस्टम मस्ट बी फाउंड फॉर द फाइल. सो फ्रेंड्स, फाइल को हमें क्रिएट करना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेस. तो स्पेस हमें यहाँ पे जरूरी होता है. सेकेंड है कि एंड एंट्री फॉर न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन डायरेक्ट्री. सो फ्रेंड्स, जो कुछ भी हमें फाइल बनानी है तो उसकी हमें एंट्री बनानी होगी जो डायरेक्ट्री होगी उसके अंदर. द डायरेक्ट्री एंट्री रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ द फाइल एंड इज लोकेशन इन द फाइल सिस्टम. तो डायरेक्ट्री एंट्री के अंदर क्या सेव होता है, जो उसका फाइल का नेम है वो स्टोर होता है और उसका लोकेशन जो है वो स्टोर होता है. तो इस तरह से हमें क्रिएटिंग अ फाइल ध्यान रखना है. सो फ्रेंड्स, एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं कि फाइल कॉन्सेप्ट्स क्या, किस तरह से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, उन्हें एक्सप्लेन करें. तो क्रिएटिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल, ये सारे जो छोटे छोटे दो तीन सेंटेंसेस के जो है यहाँ पे हमें मेंशन करने होंगे. फॉर एग्जांपल, ये क्रिएटिंग फाइल टू स्टेप्स में होता है. पहला स्पेस को क्रिएट करना, सेकंड उसकी एंट्री करना डायरेक्टरी में, और डायरेक्टरी में एंट्री किस तरह की होती है, फाइल का जो नेम है वो सेव होता है और उसका लोकेशन सेव होता है. इसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग अ फाइल. टू राइट अ फाइल फर्स्ट पॉइंट होगा. टू राइट अ फाइल सिस्टम कॉल इज मेड स्पेसिफाइंग बोथ द नेम ऑफ द फाइल एंड द इन्फॉर्मेशन टू बी रिटन टू द फाइल. सेकेंड पॉइंट, गिवन द नेम ऑफ द फाइल द सिस्टम सर्चेस द डायरेक्टरी एंट्री
विल नीड टू स्टोर द पॉइंटर टू द करंट एंड ऑफ द फाइल. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब भी हमें फाइल के अंदर कुछ डेटा स्टोर करना होता है, इसी को हम राइटिंग कहते हैं, तो उसके लिए सिस्टम कॉल्स किए जाते हैं. पहला तो हमें जो नेम ऑफ द फाइल है वो स्पेसिफाई करना होगा, और उसके अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है वो भी स्पेसिफाई करना होगा. और जब भी हम उसका फाइल नेम दे देते हैं तो सिस्टम जो है वो सर्च करता है डायरेक्टरी के अंदर कि वो फाइल कहाँ मिलेगी, और उसके हिसाब से जो कुछ भी फाइल है उसके एंडिंग में वो जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है. यूजिंग दिस पॉइंटर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक्स कैन बी कंप्यूटेड एंड द इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटन. द राइट पॉइंटर मस्ट बी अपडेटेड. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो कुछ भी पॉइंटर है, जो कुछ भी डेटा उसके अंदर फिल हो रहा है, तो वो पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक का जो एड्रेस है वो कंप्यूट करता है खुद से, और जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हम लिख सकते हैं वो भी. इसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग अ फाइल. टू रीड फ्रॉम अ फाइल यानी कि फाइल से अगर हमें कुछ रीड करना है, सिस्टम कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल एंड वेयर द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल शुड बी पुट इन द मेमोरी. तो अगर हमें फाइल को रीड करना है तो ये हमें प्रोसेस फॉलो करना होता है, पहला नेम स्पेसिफाई करना और जो नेक्स्ट ब्लॉक है फाइल के अंदर जो कि हम मेमोरी के अंदर पुट करना चाहते हैं तो वो हमें ध्यान रखना होगा. अगेन द डायरेक्टरी इज सर्च, हमेशा जब भी कुछ भी होता है तो हमें डायरेक्टरी के अंदर सर्च करना होता है वो फाइल का लोकेशन वगैरह. द डायरेक्टरी विल नीड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक टू बी रेड एंड वंस दैट ब्लॉक इज रेड द पॉइंटर इज अपडेटेड. तो वो जो डायरेक्टरी है वो उसके हिसाब से हमारे यूजर के नीड्स के हिसाब से वो उस जगह पर जाता है, रीड करता है, और फिर जब भी काम हो जाता है तभी पॉइंटर को अपडेट होना पड़ता है. फॉर बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस देयर इज ओनली वन पॉइंटर व्हिच इज कॉल्ड एज करंट फाइल पोजीशन. सो फ्रेंड्स, करंट फाइल पोजीशन एक पॉइंटर जैसा काम करता है दोनों भी रीड राइट ऑपरेशंस में. फिर हम बात करते हैं रिवाइंड अ फाइल की. द डायरेक्टरी इज सर्च फॉर अप्रोप्रिएट एंट्री एंड करंट फाइल पोजिशन यानी कि जो पॉइंटर है बेसिकली इज रीसेट टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल. रिवाइंड का मतलब ही हमें समझ में आता है रीसेट करना. तो हमेशा पहले जब भी हम कुछ करेंगे तो भी डायरेक्टरी सर्च की जाती है अप्रोप्रिएट एंट्री के लिए, और जो हमारा पॉइंटर है वो दोबारा से रीसेट किया जाता है. फिर है डिलीट अ फाइल. टू डिलीट अ फाइल द डायरेक्टरी इज सर्च फॉर फाइल नेम. हमेशा आप देख सकते हैं अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं तो सभी जो फाइव प्रोसेसेस है उसके अंदर हमें सबसे पहले डायरेक्टरी को सर्च करना है ताकि हम अप्रोप्रिएट लोकेशन पर पहुंच जाएं. डिलीट फाइल करने के लिए हमें वही करना होगा, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट सभी का सेम होगा. हैविंग फाउंड द डायरेक्टरी एंट्री वी रिलीज ऑल द फाइल स्पेस एंड इनवैलिडेट द डायरेक्टरी एंट्री. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमें जो स्पेस जो है एलोकेटेड वो हमें रिलीज करनी होगी, फ्री करनी होगी बेसिकली, और इनवैलिडेट करना होगा जो कुछ भी एंट्री डायरेक्टरी के अंदर जो एंट्री है वो भी हमें फ्री करना होगा. एंड ऑल द अबाव ऑपरेशंस सर्चिंग अ डायरेक्टरी इज इन्वॉल्व. हमेशा हमें डायरेक्टरी को सर्च करना ही है हर एक ऑपरेशन में. टू अवॉइड कॉन्स्टेंट सर्चिंग मेनी ऑपरेशन सिस्टम्स विल ओपन अ फाइल व्हेन इट फर्स्ट बिकम्स एक्टिवली यूज्ड. सो फ्रेंड्स, ये अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टेंट सर्चिंग जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं OS जो हैं वो क्या करते हैं, ओपन करते हैं फाइल को. जब भी फर्स्ट वो एक्टिवली यूज हो जाती है तब भी फाइल ओपन हो जाती है. वन फाइल ऑपरेशन इज रिक्वेस्टेड ओनली द स्मॉल टेबल इज सर्च्ड. मतलब जो कुछ भी फाइल हम रिसेंटली यूज करते हैं उसकी एक काइंड ऑफ लिस्ट बन जाती है, और जब भी हमें वो डायरेक्टरी सर्च की सर्च जब भी हम करते हैं कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए तो वो वहाँ पे डायरेक्टली से वो जो लिस्ट है उसके अंदर सारा सर्च होता है. वन फाइल ऑपरेशन इज रिक्वेस्टेड से वो जो स्मॉल टेबल है वही हम सर्च करते हैं और पूरी डायरेक्टरी सर्च नहीं करते हैं. एंड वेन द फाइल इज नो लॉन्गर यूज इट इज क्लोज एंड रिमूव फ्रॉम द टेबल. और जब भी हम उसे यूज नहीं करते हैं तो वो जो टेबल होता है स्मॉल टेबल जो हम बना रहे हैं उसमें से वो डिलीट हो जाता है, यानी कि वो रिमूव हम कर देते हैं टेबल के अंदर से. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे जो फाइल ऑपरेशन है वो समझ में आ गया होगी. क्रिएटिंग, राइटिंग, रीडिंग, रिवाइंड और फिर डिलीट फाइल का वो आपको समझ में आ गया होगा. रीड राइट ऑपरेशन फ्रॉम टू डिस्क सेक्टर. सो फ्रेंड्स, हम किस तरह से रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं डिस्क सेक्टर के अंदर और फिर टू एंड फ्रॉम. फाइल्स आर, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि फाइल्स आर अरेंज्ड ऑन द डिस्क ऑन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑफ द डिस्क एंड एंट्री फॉर ईच फाइल एलोकेट्स ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इन इज केप्ट इन द फर्स्ट ट्रैक यानी कि ट्रैक जीरो सेक्टर जीरो इस तरह से. सो फ्रेंड्स, हमें ये यहाँ पे कहा गया है कि जब भी फाइल को हम अरेंज करते हैं डिस्क के अंदर, फाइल जो कुछ भी है वो डिस्क और डिस्क के अंदर ट्रैक्स के और सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड होती है, अरेंज की जाती है. और जो सबसे पहले एंट्री होती है जो कुछ भी हम एलोकेट करते हैं वो काइंड ऑफ ट्रैक जीरो सेक्टर जीरो इस तरह से
मतलब जो एलोकेशन होता है वो सीक्वेंशियली होता है. सेकंड है कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाइक डॉस मैनेजेस फाइल सिस्टम यूजिंग FAT यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल. तो जिस तरह से हमने यहाँ पे स्मॉल टेबल बनाया था तो उसी तरह से डॉस जो है वो सारा मैनेजमेंट इसके हिसाब से FAT के हिसाब से करता है. आर्किटेक्चर FAT कंटेन्स एड्रेसेस ऑफ द ट्रैक्स फॉर ईच फाइल. तो स्मॉल टेबल में होता क्या है, बेसिकली जो रिसेंटली यूज फाइल्स है उनका एड्रेस होता है. थर्ड पॉइंट, व्हेन अ यूजर प्रोग्राम राइट्स अ फाइल ऑन द डिस्क द फाइल इज ऑटोमेटिकली मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. फोर्थ पॉइंट होगा कि यूजर प्रोग्राम्स आर नॉट अलाउड डायरेक्टली टू राइट ऑन टू द सेक्टर्स ऑफ द डिस्क एज राइटिंग डायरेक्टली टू द डिस्क विल नॉट अपेंड द FAT एंड विल रिजल्ट इन करप्शन ऑफ द फाइल सिस्टम्स. सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यूजर प्रोग्राम जो है वो हम डायरेक्टली फाइल के अंदर राइट नहीं कर सकते हैं. और ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम डायरेक्टली उसके ऊपर राइट करते हैं तो अप एंड नहीं होता है. FAT यानी कि ये जो फाइल एलोकेशन टेबल है उसके अंदर वो अपडेटेड नहीं होता है और फिर ये करप्शन फाइल सिस्टम का हो सकता है इसकी वजह से. फिफ्थ पॉइंट है, समटाइम्स ट्रैक बिलोंगिंग टू एनी फाइल में भी ओवर रिटन एंड दिस में रिजल्ट इन फाइल करप्शन. और इसी के चलते कई बार हम फाइल को ओवर राइट कर सकते हैं अगर वे प्रोग्राम फ्रेंडली अगर हो यूजर फ्रेंडली हो गया तो, और इसकी वजह से फाइल फिर से करप्ट हो सकती है. और सिक्स पॉइंट है, सो द यूजर्स आर नॉट अलाउड टू राइट डायरेक्टली ऑन द डिस्क. तो डिस्क के ऊपर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं. और ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि रीड राइट ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म होते हैं. देन वी हैव डिवाइस डायरेक्टरी, जैसे हमने कहा था डिवाइस डायरेक्टरी यानी कि DD जिसे हम कहते हैं. द लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज केप्ट इन डायरेक्टरी एंट्री इज गिवन बिलो. तो जो हम कहते हैं कि सारी फाइल्स जो है वो डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं उसका सारा इन्फॉर्मेशन, तो ये किस तरह का इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है वो हम देख सकते हैं. सबसे पहला है फाइल नेम यानी कि सिम्बॉलिक फाइल नेम वो स्टोर करता है. फिर है फाइल टाइप यानी कि किस तरह का टाइप है वो. और फिर है लोकेशन यानी कि जो पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसका पर्टिकुलर लोकेशन. फिर है साइज मतलब करंट फाइल साइज इन बाइट्स या फिर वर्ड्स या फिर ब्लॉक्स या फिर मैक्सिमम अलाउड साइज जो कुछ भी है वो साइज के अंदर उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है. करंट पोजीशन यानी कि अभी जो पॉइंटर है वो कहाँ पे रीड राइट की पोजीशन के अंदर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो उसका करंट पोजीशन. फिर है प्रोटेक्शन यानी कि कौन सा एक्सेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है वगैरह वो सारा चीज प्रोटेक्शन के अंडर आ जाता है. इन्फॉर्मेशन टू कंट्रोल रीडिंग राइटिंग एग्जीक्यूशन एंड सो ऑन. फिर है यूसेज काउंट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच आर करंटली यूजिंग या फिर हैव ओपन द फाइल. ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर सेव होता है. और लास्टली टाइम डेट एंड प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किस लिए बनाई जाती है. सबसे पहला क्रिएशन, लास्ट मॉडिफिकेशन, लास्ट यूज, इस तरह से जो पूरा इसका टाइम है, डेट है, लास्ट मॉडिफिकेशन कभी किया गया है, कभी क्रिएट किया है, उसका टाइम, प्रोसेस वगैरह वो सारा. दिस इज़ यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन एंड यूसेज मॉनिटरिंग. इट मे टेक फ्रॉम 16 to 1000 बाइट्स टू रिकॉर्ड दिस इन्फॉर्मेशन फॉर ईच फाइल. अ डायरेक्टरी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन मेनी वेज एंड कैन बी लीनियर लिस्ट और हैश टेबल. सो फ्रेंड्स यहाँ पे कई तरह से हम डायरेक्टरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लीनियर लिस्ट या फिर हैश टेबल. और ये सारे जो है वो डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो हमें याद रखने हैं. ये भी हमें पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि किस तरह से डिवाइस डायरेक्टरीज होते हैं उसके अंदर के सब टॉपिक्स. अभी हम बात कर लेते हैं एक्सेस मेथड्स की. एक्सेस मेथड्स के अंदर दो एक्सेस मेथड्स हम पढ़ते हैं. पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस और फिर है डायरेक्ट एक्सेस. और स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेस मेथड्स के अंदर क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ. फाइल स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, फाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है ऑब्वियसली. व्हेन इट इज यूज्ड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्सेस्ड एंड रेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी. देर आर सेवरल मेथड्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन इन फाइल जो कि है सीक्वेंशियल मेथड और डायरेक्ट मेथड. सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करते हैं. मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द फाइल आर रीड्स एंड राइट्स. बहुत सारे ऑपरेशन रीड करना राइट करना होता है. तो योर फाइल इज एक्सेस्ड सीक्वेंशियली. जब भी फाइल सीक्वेंशियल एक्सेस होती है तो हम उसे सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं. अ प्रोग्राम स्किप फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड रिकॉर्ड्स. इन सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोग्राम जो है स्किप फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड रिकॉर्ड्स. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से ये समझ में हमें आ सकता है कि ये सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल है और यहाँ पे ये करंट पोजीशन है, ये बिगनिंग और एंडिंग है. अगर हम पीछे जाते हैं, अगर हमारे ये जो पॉइंटर है वो पीछे जाता है यानी कि वो रिवाइंड कर रहा है और इसके आगे मतलब इसके जो बाद में का सारा पोर्शन है वो रीड के लिए है या फिर राइट के लिए है. तो इस तरह से हम सीक्वेंशियल जाते हैं, इसका कुछ बिगनिंग होता है, कुछ एंड होता है और यहाँ पे हमारा मिडल में करंट पोजीशन है.
तो इस तरह से ये टेप मॉडिफिक मॉडल ऑफ फाइल के ऊपर का ये इस तरह से डायग्राम है। ये बेसिकली हमारी एक टेप है और ये बिगनिंग एंड है। सिमिलरली डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सेस बेस्ड अपॉन डिस्क मॉडल ऑफ फाइल, तो जो सिक्वेंशियल एक्सेस था वो टेप मॉडल के ऊपर था, डायरेक्ट एक्सेस डिस्क मॉडल के ऊपर है। यू द फाइल इज व्यूड एज अ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड्स। फाइल जो है वो सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स या फिर रिकॉर्ड्स के फॉर्म में व्यू की जाती है। इन दिस मेथड एनी ब्लॉक में रेड और रिटन, वी मे रीड ब्लॉक 14 एंड देन ब्लॉक 53 एंड राइट ब्लॉक 9। मतलब हम किसी भी तरह से यहाँ पे सीक्वेंशियली हमें नहीं जाना पड़ता है, एक के बाद एक हम कोई भी ब्लॉक कभी भी रीड और राइट कर सकते हैं रैंडमली, मतलब सीक्वेंशियली होना जरूरी नहीं है। देर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ रीडिंग और राइटिंग। जैसे हमें यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस फाइल का फिगर बताया है कि ब्लॉक 0 है, ब्लॉक 1 है, फिर ब्लॉक n है, ब्लॉक n प्लस 1, ये इस तरह से ब्लॉक्स हैं और किसी भी तरह से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अदर एक्सेस मेथड्स कैन बी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द डायरेक्ट एक्सेस मेथड्स एंड दिस इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स फॉर द फाइल। द इंडेक्स कंटेन्स पॉइंटर्स टू वेरियस ब्लॉक्स। और अगर हमें एंट्री समझनी है, मतलब फाइल के अंदर की एंट्री, तो हमें ये जो इंडेक्स है वो हम सर्च कर लेते हैं। जैसे हमारे बुक्स के स्टैंडिंग पेजेस में इंडेक्स कैसा लगा होता है, और जब हमें वो पेज पर जाना होता है तो डायरेक्टली हम इंडेक्स को रेफर करके जाते हैं। इसी तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो कि डायरेक्ट एक्सेस को और मॉडिफाई करके फर्दर उसे अपग्रेड करके बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ एलोकेशन मेथड्स भी पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो भी हमें इन डायरेक्ट एक्सेस का ही ये अपग्रेडेड पार्ट है, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस नेचर ऑफ डिस्क अलाउज अस टू स्टोर मेनी फाइल्स ऑन सेम डिस्क। एक ही डिस्क के ऊपर हम बहुत सारे फाइल्स सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि वो फाइल्स को एलोकेट करना, उनके अंदर जो स्पेस है बेसिकली फाइल को जो रिक्वायर्ड है वो डिस्क स्पेस के अंदर एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, और इस तरह से कि जो वो फाइल्स हैं हम वो क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए होते हैं कुछ एलोकेशन मेथड्स, और बेसिकली हमें बस 3 एलोकेशन मेथड्स पढ़ने हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एग्जाम में पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि ये एलोकेशन मेथड्स, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है, उसके रिलेटेड डायग्राम्स भी है, और ये काफ़ी सिंपल है। अगर हम एक बार समझ लेते हैं तो ये ईजी हो जाता है। तो ये जो एलोकेशन मेथड्स है वो हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे 3 मेजर एलोकेशन मेथड्स होते हैं डिस्क स्पेस के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये जो सारे एलोकेशन मेथड्स हैं वो हम डिस्क बेस्ड मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट है और ना कि टेप बेस्ड मॉडल के ऊपर, ये हमें ध्यान रखना है। सो सबसे पहला है कॉन्टिग्यूस, हम इसे कहते हैं कंटिन्यूस नहीं है ये, कॉन्टिग्यूस है ये, लिंक्ड और इंडेक्स। तो इंडेक्स हमें पता चल सकता है कि इंडेक्स बुक के तरह किस तरह से होता है, वैसे लिंक्ड यानी कि एक यहाँ से हम किसी और को लिंक करेंगे और फिर वहीं से डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेंगे, और कॉन्टिग्यूस किस तरह से होता है देख लेंगे। पर सबसे पहला हमें समझना होगा कि फ्री स्पेस मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि हमें जब भी एफिशिएंटली कुछ यूज़ करना होता है तो जो रिक्वायर्ड नहीं है तो वो स्पेस हम खाली कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्री स्पेस मैनेजमेंट। और यहाँ पे ये बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन दिया है कि किस तरह से हम स्पेस को फ्री कर सकते हैं और डिलीट वगैरह करके, तो ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बढ़ते हैं फर्स्ट एलोकेशन मेथड, जो कि है कॉन्टिग्यूस एलोकेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्टिग्यूस एलोकेशन मेथड रिक्वायर्स ईच फाइल टू ऑक्यूपाई अ सेट ऑफ कॉन्टिग्यूस, यानी कि एडजॉइनिंग एड्रेस ऑन द डिस्क। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, कॉन्टिग्यूस का मतलब है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस से हमें समझ में आ रहा है कि एडजॉइनिंग एड्रेस होने चाहिए, यानी कि अगर ये कुछ एक पर्टिकुलर डिस्क है तो उसके अंदर एक के बाद एक हम कह सकते हैं कंटिन्यूस फॉर्मेट में एडजॉइनिंग एड्रेसेस इसके अंदर होते हैं। कॉन्टिग्यूस एलोकेशन ऑफ अ फाइल इज डिफाइंड बाय द डिस्क एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक एंड इट्स लेंथ। तो कंटिग्यूस एलोकेशन के अंदर जब भी फाइल को हम डिफाइन करते हैं तो हमें बेसिकली क्या समझना आना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पॉइंट है, फिर सेकेंड पॉइंट है कि हमें पहला डिस्क एड्रेस मेंशन करना होगा, और फर्स्ट ब्लॉक हमें, मतलब जो फर्स्ट ब्लॉक है, जो कुछ भी हमारा एलोकेशन, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा कुछ है इस तरह से कॉन्टिग्यूस एडजॉइनिंग एड्रेसेस, तो इसका जो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है तो वो हमें ध्यान रखना होगा, और तो और उसका लेंथ क्या है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इसको जो कुछ भी लेंथ होगा वो। इफ़ द फाइल इज ऑफ n blocks long and starts at location B, then occupies B+1, B+2 इस तरह से B+N-1 blocks वो मतलब उसके अंदर होते हैं। The direction entry for each file indicates the address of the starting block and the length of the area allocated for this file. तो डायरेक्टरी एंट्री के अंदर, मतलब बेसिकली जो हमारी डायरेक्टरी एंट्री होती है कुछ इस तरह से, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है
फॉर ईच फंक्शन इंडिकेट्स एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक, स्टार्टिंग ब्लॉक का जो कुछ भी एड्रेस है वो, और लेंथ ऑफ द एरिया एलोकेटेड फॉर दिस फाइल। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये फिगर हमें बस रैंडमली इसी तरह से फिगर बनानी होगी, इस तरह से पहले हमें बनाना है और इसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारी फाइल है, इसके अंदर ये सारा डेटा स्टोर है। तो हम देख सकते हैं जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमें बनाने हैं। कितने भी 31 यहाँ पे बनाए हैं तो आप 31 बना सकते हैं, बेसिकली 30 स्पेसेस यहाँ पे एलोकेटेड है। और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ये दो है काउंट के लिए, ये दो है 6, 7 एफ के लिए, फिर ये सारा है टीआर के लिए। इस तरह से हमें बस कुछ ब्लॉक्स जो है वो स्पेस जो है वो एलोकेट करना है और इसी के रिलेटेड यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन उसकी डायरेक्टरी बनानी। तो सबसे पहले फाइल जो कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल काउंट है तो काउंट, टीआर है तो टीआर, फिर मेल है तो मेल, जो कुछ भी इसका नाम है बेसिकली नेम वो हमें फाइल में लिखना है। फिर स्टार्टिंग का एड्रेस, फॉर एग्जांपल काउंट तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 0, तो 0 हमें लिखना होगा। इसका लेंथ क्या है, 1, 2, तो 2 ब्लॉक्स हैं तो 2। इस तरह से हमें बस इतना याद रखना है कॉन्टिग्यूस एलोकेशंस के अंदर कि हमेशा जो है वो ईच फाइल एडजॉइनिंग एड्रेसेस उसके अंदर स्टोर होते हैं कंटिग्यूस के अंदर। और हमें ध्यान ये रखना है कि पहले डायरेक्टरी के अंदर सेव किस तरह से होता है, पहले उसका फाइल, फिर उसका स्टार्टिंग एड्रेस, फॉर एग्जांपल 0 है तो 0, फिर इसमें 14 है तो 14 इस तरह से, और उसका लेंथ फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 है तो 3, इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है। एक्सेसिंग अ फाइल विच हैज़ बीन कॉन्टिग्यूसली एलोकेटेड इज ईजी, यानी कि कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में फाइल को एक्सेस करना आसान होता है। फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस द फाइल सिस्टम रिमेंबर्स द डिस्क एड्रेस एंड द लास्ट ब्लॉक एंड वेन नेसेसरी रीड्स द नेक्स्ट ब्लॉक। तो जब भी हमें एक्सेस करना होता है तो फाइल सिस्टम क्या करता है, जो एड्रेस है लास्ट ब्लॉक का वो ध्यान रखता है, और जब भी उसको रीड करना होता है तो उसके नेक्स्ट ब्लॉक से वो रीड करना स्टार्ट करता है। फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू ब्लॉक आई ऑफ द फाइल विच स्टार्ट्स एट द ब्लॉक बी, यानी कि अगर कोई बी ब्लॉक के ऊपर वो ब्लॉक अगर स्टार्ट हो रहा है और उसका अगर एड्रेस अगर आई है तो हम इमीडिएटली वो एक्सेस, वो जो ब्लॉक है वो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, बी प्लस अगर हम आई करते हैं तो हमें डायरेक्टली वहाँ पे वो जो पोजीशन है वो हमें मिल जाता है। तो इतना सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर। डिफ़िकल्टी क्या है, ये जो है वो उसका एडवांटेजेस है कि वो इफ़िशियंटली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, एलोकेशन ईजी हो जाता है, लेकिन डिफ़िकल्टी है कि फाइंडिंग स्पेस फॉर न्यू फाइल डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर, और हमें फाइल टू बी क्रिएटेड इन एन ब्लॉक्स लॉन्ग हमें सर्च करना पड़ता है कहाँ फ्री स्पेस है और उस फाइल के हिसाब से कितनी स्पेस हमें ज़रूरी होगी और वो स्पेस कितनी फ्री है वो हमें सर्च करना होता है। फॉर अ बिट मैप वी नीड टू फाइंड एन 0 बिट्स इन अ रो, सो फ्रेंड्स कितना 0 है या फिर कितना जो कुछ भी फ्री स्पेस है वो हमें सर्च करना पड़ता है जब भी हमें न्यू फाइल को एलोकेट करना होता है तब। ये हो गया हमारा कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। अभी हम बात कर लेते हैं डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन की। डिस्क स्पेस कैन बी व्यूड एज अ लार्ज एरिया ऑफ डिस्क ब्लॉक्स, हमें पता है डिस्क स्पेस का मतलब क्या होता है, एरे के अंदर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है सारी फाइल्स, तो वो डिस्क ब्लॉक्स की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं उन्हें। एट एनी गिवन टाइम सम ऑफ दीज ब्लॉक्स आर एलोकेटेड टू फाइल्स एंड अदर्स आर फ्री, तो ये जो डिस्क सिस्टम होता है उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ ब्लॉक्स एलोकेटेड होते हैं फाइल्स के अंदर और कुछ फ्री हो जाते फ्री रहते हैं। डिस्क स्पेस इज दस द कलेक्शन ऑफ फ्री unused segments। So friends, disk space का मतलब क्या है, उसके अंदर जो free होगा जो कुछ भी free space है वो, और जो used segments है वो सारे इसके अंदर होते हैं। Each segment is a contiguous set of disk blocks, और हर एक segment जो है वो क्या होता है, disk blocks का contiguous segment set होता है basically। An unallocated segment is called as whole। So friends, whole क्या होता है, वो segment जो कि unallocated है उसे हम कहते हैं whole। डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम इज हाउ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट ऑफ साइज एन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फ्री होल्ड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री होल्ड्स मतलब जो स्पेस अनयूज्ड है वो, तो वो स्पेस के अकॉर्डिंग हम किस तरह से फाइल को एलोकेट कर सकते हैं उसका काम होता है डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन का। देर आर मेनी सोल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम्स। अ सेट ऑफ होल्स इज सर्च टू डिटरमाइन विच होल इज बेस्ट टू एलोकेट, फर्स्ट बिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। सो फ्रेंड्स ये जो है कुछ हमारी कॉमन स्ट्रेटजीज होते हैं। फर्स्ट बिट यानी कि फर्स्ट बिट को हम देखना, फर्स्ट बिट के अंदर ही स्टोर कर देना, और फिर बेस्ट फिट के मतलब जो है देखना कि कौन सा स्पेस उसके लिए ज़्यादा एफिशिएंट है वो, और फिर वर्स्ट फिट, ये सारे जो तीन स्ट्रेटजीज हैं वो कॉमनली यूज़ हम करते हैं टू सेलेक्ट अ फ्री होल, यानी कि फ्री स्पेस को जब हम सेलेक्ट करना होता है। फर्स्ट फिट क्या होता है वो हम देख लेते हैं।
या हमें 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन का मतलब क्या है। तो हमें बस ये समझना, ये पूरा लिखना होगा पॉइंटर्स बनाकर, और फिर ये जो 3 तरीके होते हैं, कॉमन स्ट्रेटजीज होती हैं, वो हमें एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्ट फिट का मतलब होता है दिस एलोकेट्स फर्स्ट होल देर इज बिग इनाफ। सो फ्रेंड्स, जो बहुत सबसे बड़ा होल मतलब सबसे बड़ा वीकेंसी जो होता है उन्हें वो एलोकेट कर देता है। सर्चिंग एंड स्ट्रैट इधर द बिगिनिंग ऑफ द सेट्स ऑफ होल्स और वेयर द प्रीवियस फर्स्ट फिट सर्च एंडेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्चिंग हम इस तरह से स्टार्टिंग से कर सकते हैं या फिर पहले जहाँ पे एंड हुआ था वहीं से। वी कैन स्टॉप सर्चिंग एज सून एज वी फाइंड द लार्ज होल इनाफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन होता है कि हम रैंडमली सर्च करते गए और फिर जहाँ पे हमें बिग इनाफ होल पहले ही मिल जाता है वहाँ पे हम फिट कर देते हैं। बेस्ट फिट का मतलब है कि हम स्मॉलेस्ट होल ढूंढते हैं, यानी कि वो फाइल के लिए कितना स्पेस मिनिमम लगेगा उसके हिसाब से हम ये ढूंढते हैं। स्मॉलेस्ट होल देर इज बिग इनाफ। वी मस्ट सर्च एंटायर लिस्ट। बेस्ट फिट के लिए हमें पूरा लिस्ट सर्च करना पड़ता है। अनलेस द लिस्ट इज केप्ट ऑर्डर्ड बाई साइज, तो हमें साइज वाइज होगा तो उसके हिसाब से हमें सर्च करना पड़ता है। फिर है वर्स्ट फिट। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा होल, उसको एलोकेट कर देना। वी मस्ट अगेन सर्च द एंटायर लिस्ट अनलेस सॉर्टेड बाई साइज। फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट जो मतलब ये जो 2 टेक्निक्स होते हैं वो बेटर होता है वर्स्ट फिट से, क्योंकि वर्स्ट फिट के अंदर बहुत बड़ा साइज होता है और अगर फाइल साइज अगर कम होती है तो भी हम उसे एलोकेट कर देते हैं। तो ये 2 टेक्निक्स एफिशिएंट होते हैं फॉर विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टोरेज यूटिलाइजेशन। एंड दीज मेथड्स सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, लेकिन यहाँ पे ये जो सारे मेथड्स हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। एज फाइल्स आर एलोकेटेड एंड डिलीटेड द फ्री स्पेस इज ब्रोकन इंटू लिटल पीसेस। तो जो भी फाइल्स एलोकेट होते हैं और डिलीट हम करते हैं तो जो फ्री स्पेस है वो छोटी छोटी पीसेस के अंदर ब्रेक किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कॉम्पैक्शन का। टू प्रिवेंट लूजिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन द यूजर मस्ट रन अ रीपैकिंग रूटीन विच बेसिकली कॉपीज द एंटायर फाइल सिस्टम ऑन टू अनदर फ्लॉपी डिस्क या फिर टेप एंड द फाइल्स कैन बी देन रीकॉपीड बैक ऑन टू फ्लॉपी बाय एलोकेटिंग कॉन्टिग्युअस स्पेस। दिस स्कीम कॉम्पैक्ट्स ऑल द फ्री स्पेस इन टू वन होल। The another problem with contiguous allocation is to determine how much space is needed for the file when file is created. The total amount of space it will need must be found and allocated. If we allocate too little space for file, we may then find that it cannot be extended. So friends, यहाँ पे compaction का मतलब ये है कि यहाँ पे external fragmentation को हमें avoid अगर करना होगा और अगर हमें space बचानी होगी disk के अंदर, तो सबसे पहला है कि वो जो पूरा जो entire file system है वो हम copy कर देते हैं दूसरे कोई floppy disk में या फिर tape में, और फिर हम उसमें देखते हैं कि कितना यूज स्पेस है उसे हम एक तरफ करते हैं, कितना फ्री स्पेस है यानी कि होल्स हैं उन्हें हम एक तरफ कॉम्पैक्ट करके रख देते हैं और एक पूरा वो एक वेकेंसी का एक वन होल के अंदर उसे हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं। और फिर जब हमें एलोकेट करना होता है तो वो कॉम्पैक्ट जो स्पेस है उसके अंदर हम एलोकेट कर देते हैं। लेकिन कॉन्टिग्यूस एलोकेशंस के अंदर ये डिटरमाइन करना कि कितना स्पेस रिक्वायर्ड है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से पूरा सिस्टम के अंदर सर्च करना होता है, और अगर हमने बाय मिस्टेकली अगर कम स्पेस एलोकेट कर दी फाइल के लिए तो वो एक्सटेंड नहीं की जा सकती है कॉन्टिग्यूस एलोकेशन के अंदर, क्योंकि हमने देख सकते हैं प्रीवियस उसके अंदर कि जब भी हम एलोकेट करते हैं कॉन्टिग्यूसली तभी काफ़ी कम ब्लॉक्स बीच बीच में होते हैं और फिर वो एलोकेट करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिंक्ड एलोकेशन की। इन लिंक्ड एलोकेशन ईच फाइल इज लिंक्ड लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक्स एंड द डिस्क ब्लॉक्स मे बी स्कैटर्ड एनीवेयर ऑन द डिस्क। तो अभी हम जो है बात कर रहे थे लिंक्ड एलोकेशन, इसके अंदर लिंक बने होते हैं यानी कि एक एक ब्लॉक को हम दूसरे ब्लॉक से लिंक कर देते हैं और फिर जो वो ब्लॉक्स हैं वो कहीं पर भी स्कैटर्ड हो सकते हैं और वहाँ पर हम फिर लिंक मेथड से लिंक लिस्ट जो मेथड होता है उससे हम सर्च करते हैं। द डायरेक्टरी कंटेन्स द पॉइंटर्स टू द फर्स्ट एंड द लास्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल। सो फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना है कॉन्टिग्युअस एलोकेशन मेथड में हम फर्स्ट जो कि एड्रेस है ब्लॉक का वो बताते थे और जो उसका लेंथ है वो बताते हैं, लेकिन लिंक्ड एलोकेशन के अंदर हमें पॉइंटर की बात करनी है, यानी कि जो फर्स्ट ब्लॉक होगा उसके अंदर का जो पॉइंटर है वो, और जो लास्ट ब्लॉक होगा फाइल का उसका पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है उसका सारा इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करना है। इसका डायग्राम देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
सो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये है लिंक्ड एलोकेशन, जहाँ पे ये काइंड ऑफ एक फाइल है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लॉक्स है, या फिर हम देख सकते हैं ये डिस्क स्पेस है, इसके अंदर काफ़ी सेक्टर्स इस तरह से बने हुए हैं। और डायरेक्टरी के अंदर हमें फाइल सेव करना होगा। फॉर एग्जांपल जी एक फाइल है, ये पर्टिकुलर फाइल उसका नाम है, स्टार्टिंग एड्रेस उसका 9 है और फिर एंडिंग एड्रेस उसका 25 है। सो फ्रेंड्स इसके अंदर हम डायरेक्टली 25 GB हम कहते हैं, तो हमें ये जो है एक ये जो लिंक बनी है काइंड ऑफ, और ये डायरेक्टली हमें यहाँ पे पॉइंट कर देती है, जिसका वैल्यू है -1। सिमिलरली स्टार्ट जहाँ पे हो रहा है 9, तो 9 डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट करता है 16 के ऊपर, तो हमें डायरेक्टली एक्सेस हम कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो ये एक फ़ायदा होता है, एक बेनिफिट होता है लिंक्ड एलोकेशन का। क्रिएटिंग अ फाइल इज ईजी, यहाँ पे फाइल को क्रिएट करना आसान होता है। वी सिंपली क्रिएट अ न्यू एंट्री इन द डिवाइस डायरेक्टरी, हमें बस यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल और एक एंट्री बनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बना दूँ यहाँ पे कुछ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फाइल्स है वो फर्दर इस तरह से लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट 9 अगर हो रहा है, तो 9 जा रहा है 1 पे, फिर 1 जा रहा है 10 पे, और फिर ये जो ग्रिड पे 10 है वो मतलब ये काइंड ऑफ लिंक्ड है। हम देख सकते हैं कि 9 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस तरह से वो लिंक्ड होकर जो लास्ट एड्रेस है वो 25 पे यहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये एक लिंक जैसे बना है और हमें पूरा सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम सिंपली डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर कुछ और नाम डालकर हम उसे न्यू एंट्री बनाकर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। दिस पॉइंटर ईच डायरेक्टरी एंट्री हैज़ अ पॉइंटर टू द फर्स्ट डिस्क ऑफ द ब्लॉक ऑफ द फाइल, और यही पॉइंटर है कि हम इनिशियलाइज करते हैं टू नल, यानी कि एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ द पॉइंटर वैल्यू टू सिग्निफाई एम्प्टी फाइल। सो फ्रेंड्स अगर हमें कोई एम्प्टी फाइल होती है और अगर हमें वो सिग्निफाई करना होता है, तो हमें इस तरह से लास्ट में पॉइंटर के वैल्यू के अंदर हमें उसे पॉइंट करना होगा, जो कि इनिशलाइज करेगा नल, यानी कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अ राइट टू फाइल रिमूव्स द फ्री ब्लॉक्स फ्रॉम द फ्री स्पेस लिस्ट एंड राइट्स टू इट, अगर हमें राइट करना है तो वो जो फ्री ब्लॉक्स हैं उसमें रिमूव कर देता है और फिर हम उसमें लिख सकते हैं। And this new block is then linked to the end of the file. और ये जो नया block है वो हम end of the file में लगा देते हैं। और अगर हमें read करना है तो हम simply pointers के हिसाब से block to block हम read करते हैं, लेकिन write में तो हम ending से ही करेंगे, तो writing के लिए हमें end में end से करना होता है। And there is no external fragmentation, ये इसका एक advantage है कि कोई भी तरह का external fragmentation यहाँ पे नहीं होता है with linked allocation, so इसका advantage है। Any free block can be used to satisfy a request, कोई भी तरह का free block हम utilize कर सकते हैं। And there is no need to declare size of the file when it is created, और हमें जैसे कॉन्टिगस एलोकेशन में लेंथ वगैरह साइज हमें मेंशन करना पड़ता था, वैसे लिंक्ड एलोकेशन में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अ फाइल कैन कंटिन्यू टू ग्रो एज लॉन्ग एज देर आर फ्री ब्लॉक्स एंड इट इज़ नेवर नेसेसरी टू कॉम्पैक्ट द स्पेस, तो वहाँ पे जैसे हमें फ्री ब्लॉक्स को कॉम्पैक्ट करना पड़ता था एक होल में, वैसे कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब तक जितने ब्लॉक्स फ्री हैं उसके हिसाब से हम लिस्ट वो जो कुछ भी फाइल है उसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। The major problem is that linked allocation can only be used effectively for sequential access files. So friends, यहाँ पर हमें अगर कुछ sequentially access अगर accessible है और sequentially कुछ arranged है, तो उसे access करने के लिए हमें ये beneficial होता है। To find ith block of the file, we must start at the beginning of that file and then follow the pointers until we get to the ith block of the file. और अगर हमें एक पर्टिकुलर फाइल पे पहुंचना, तो बस हमें सीक्वेंशियली जाना होता है वो उसे रीच करने के लिए। ईच एक्सेस टू द पॉइंटर रिक्वायर्स अ डिस्क रीड एंड वी कैन नॉट सपोर्ट अ डायरेक्ट एक्सेस कैपेबिलिटी फॉर लिंक्ड एलोकेशन ऑफ फाइल्स, और ये उसके एडवांटेजेस कुछ हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स ये रहे उसके कुछ एडवांटेजेस। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो another disadvantage is space required for the pointers. तो pointers के लिए जो space required होता है वो उसका एक disadvantage है। Each file requires slightly more space. हर एक फाइल को एक थोड़ा ज़्यादा जगह लगता है। Another problem is of reliability. The files are linked together by pointers. मतलब pointers के through ये जो सारा फाइल्स है वो linked होता है, तो reliability का एक problem हो जाता है। If a pointer is lost or या फिर damaged, then it creates chaos. So friends, यहाँ पे जिस तरह से हम देख सकते हैं कि pointers के through linked है, और अगर एक pointer for instance ये 9 जो है वो 16 पे linked है, 16 1 पे linked है, लेकिन अगर 1 ये जो pointer है वो अगर लॉस्ट हो गया, सो फ्रेंड्स यहाँ पे या फिर डैमेज या फिर कुछ भी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये फर्दर लिंक नहीं कर पाता है। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है लिंक्ड एलोकेशन का। इसके बाद सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है इंडेक्स्ड एलोकेशन,
और इंडेक्स एलोकेशन में क्या होता है कि सभी पॉइंटर्स जो है वो एक ही लोकेशन पे हम उसमें लाते हैं, चूँकि हम इंडेक्स ब्लॉक्स कहते हैं। इंडेक्स ब्लॉक्स के अंदर सारे जो पॉइंटर्स हैं वो हम टुगेदर उसको रखते हैं। एंड ईच फाइल हैज़ इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का एक एक उसका इंडिविजुअल इंडेक्स ब्लॉक होगा। विच इज़ एन एरिया ऑफ डिस्क ब्लॉक एड्रेस, जिसके अंदर वो जो डिस्क के ब्लॉक का जो एड्रेस है वो स्टोर होता है। If the ith entry points to the ith block of the file, और अगर वो particular entry वो particular block के ऊपर point करता है, the directory contains the address of the index blocks. तो ये जो directory है उसके अंदर क्या होता है, index block का address होता है। So friends, ये हमें याद रखना है कि basically सभी के अंदर की जो directory है उसके अंदर किस तरह का क्या save होता है। तो index allocations के अंदर जो की जो directory है वो index block का address store करती है। शोज ये जो फिगर है वो इंडेक्स लोकेशन दिखाएगा। टू रीड आइट ब्लॉक वी यूज पॉइंटर इन द आइट इंडेक्स ब्लॉक एंट्री टू फाइंड एंड रीड द डिजायर्ड ब्लॉक। व द फाइल इज क्रिएटेड ऑल द पॉइंटर्स इन द इंडेक्स ब्लॉक्स आर सेट टू नल। जब भी फाइल क्रिएट होती है तभी जो इंडेक्स ब्लॉक है वो हम नल पोजिशन के ऊपर सेट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं ये है इंडेक्स एलोकेशन जो कि सपोर्ट एक्सेस कर सकता है विदाउट सफरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। द इंडेक्स ब्लॉक इज नॉर्मली ऑन डिस्क ब्लॉक, तो डिस्क ब्लॉक के ऊपर ही इंडेक्स ब्लॉक होता है। एंड दैट इट कैन बी रेड और रिटन डायरेक्टली बाय इटसेल्फ। सो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं इसका डायरेक्टरी, ये इंडेक्स एलोकेशन है, ये डायरेक्टरी है, ये फाइल है, इसके अंदर जो नाम है जीपी वो हमने सेव कर लिखा है। यहाँ पे बस इसके डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स ब्लॉक का एड्रेस सेव होता है, फॉर इंस्टेंस 9। सो फ्रेंड्स, 9 के अंदर ये जो है उसका एक खुद का काइंड ऑफ एक इंडेक्स होता है जिसके अंदर सारे उसके एड्रेसेस सेव होते हैं। फॉर एग्जांपल 9, 16, 1, 10 इस तरह से, और फिर ये पॉइंट करता है इस तरह से 9, 16, 1, 10 इस तरह से। ये सारे पॉइंटर्स यहाँ पे होते हैं 25। और जो -1, -1, -1 है ये सारे नल पोजिशन है, यानी कि ये ब्लॉक जो है वो काइंड ऑफ एम्प्टी है, इनके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से होता है इंडेक्स एलोकेशन, यानी कि ये जो है वो सिर्फ इसका इंडेक्स ब्लॉक को पॉइंट करेगा और उसका खुद का एक इंडेक्स होगा जो वो पॉइंटर्स के ऊपर इस तरह से फॉर्मेट में वो स्टोर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सब सिस्टम सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स बाय यूजिंग कॉन्टिग्यूअस एलोकेशंस एंड सम सीक्वेंशियल एक्सेस बाय लिंक्ड एलोकेशंस। तो कई सिस्टम्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है कौन सा एलोकेशन मेथड वो इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स एलोकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड सम सिस्टम्स कंबाइन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन विद इंडेक्स एलोकेशन, और कोई बहुत जो सिस्टम्स होते हैं वो दो जो एलोकेशन है उन्हें कंबाइन करते हैं, कॉन्टिग्यूअस और इंडेक्स। फॉर स्मॉल फाइल्स दे यूज कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, स्मॉल फाइल्स डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड स्विच टू इंडेक्स एलोकेशन फॉर लार्ज फाइल्स, और लार्ज फाइल्स के लिए इंडेक्स एलोकेशन मेथड बेस्ट होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं डिवाइस ड्राइवर की। सो फ्रेंड्स, डिवाइस ड्राइवर हमने थोड़ा बहुत खैर डिस्कस कर लिया है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। रूटीन्स विच परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट आर इम्पॉर्टेंट, जो सारे इनपुट आउटपुट रूटीन्स हम परफॉर्म करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रिक्वायरिंग केयरफुल प्रोग्रामिंग, जो किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और स्पेशल सब रूटीन वॉज रिटन फॉर ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस, चाहे सब रूटीन, सच सब रूटीन इज कॉल्ड एज डिवाइस ड्राइवर। सो फ्रेंड्स, ये डिवाइस ड्राइवर होता क्या है? स्पेशल सब रूटीन वॉज रिटन फॉर ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि हर एक का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसके हिसाब से स्पेशल सब रूटीन्स जो लिखे जाते हैं हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, और वो सारे जो सब रूटीन्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। और डिवाइस ड्राइवर नोज हाउ द बफर्स, यानी कि रैम्स और फ्लैग्स, रजिस्टर्स, सारे जो कंट्रोल बिट्स होते हैं, स्टेटस बिट्स होते हैं, शुड बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर डिवाइस। यानी कि ये जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं बेसिकली इनके अंदर ये सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, फ्लैग्स यानी बफर्स यानी कि रैम्स के अंदर का जो स्पेस है वो, फिर फ्लैग्स, रजिस्टर्स, कंट्रोल बिट्स, स्टेटस बिट्स एक्सेट्रा। ईच डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस हैज़ इट्स ओन ड्राइवर, हर एक डिवाइस का खुद का एक ड्राइवर होता है, जिस तरह से एक व्हीकल का खुद का एक ड्राइवर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ड्राइवर होता है और उसे पता होता है कि कहाँ जाना है, जो कुछ भी डेस्टिनेशन है, इसी तरह से यहाँ पे हर एक डिवाइस का ड्राइवर होता है। अ सिंपल टास्क सच एज रीडिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम अ डिवाइस इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस ऑफ डिवाइस स्पेसिफिक ऑपरेशंस। सो ये जो है मतलब कोई भी बेसिक तरह का काम भी अगर हम समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम अ डिवाइस, वो भी उसके अंदर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस ऑफ डिवाइस स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं, और वो ख्याल रखता है ड्राइवर।
device driver basically. Rather than writing the code every time, the device driver was simply used for from library. तो हर एक समय पर कोड लिखने से अच्छा ये जो डिवाइस ड्राइवर है वो हम लाइब्रेरी से यूज़ कर सकते हैं फॉर एफिशिएंट मतलब यूज़. सो फ्रेंड्स, अभी हम टर्मिनल IO यानी कि टर्मिनल इनपुट आउटपुट की बात कर लेते हैं. अ टर्मिनल और विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU जिसे हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज कॉमन इनपुट आउटपुट मीडियम. टर्मिनल जैसे हम कहते हैं, टर्मिनल का मतलब होता है VDU बेसिकली, जो कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है इज अ कॉमन इनपुट आउटपुट मीडियम. टर्मिनल हार्डवेयर के में डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो जो ये टर्मिनल ड्राइवर होता है हार्डवेयर होता है सॉरी, वो हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. पहला तो है कीबोर्ड विच इज़ यूज एज एन इनपुट मीडियम और एंड द वीडियो स्क्रीन विच इज़ यूज एज एन आउटपुट मीडियम. तो इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब है कीबोर्ड जो कि इनपुट मीडियम जिसका तरह का काम करता है, और दूसरा है वीडियो स्क्रीन जो कि हमें आउटपुट दिखाता है. जो कीबोर्ड हम कीबोर्ड से कुछ भी हम जो टाइप करते हैं वो इनपुट हम दे रहे हैं कैरफ, और जो वीडियो स्क्रीन के ऊपर हमें दिखता है वो होता है आउटपुट मीडियम. तो इस तरह से VDU यानी कि वीडियो से विजुअल आ रहा है, डिस्प्ले से स्क्रीन हम समझ सकते हैं, और ये इस तरह से हार्डवेयर होता है इनपुट आउटपुट का. और टर्मिनल कैन बी डम्ब्ड टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल. तो टर्मिनल जो है वो डम्ब टर्मिनल हो सकता है या फिर इंटेलिजेंट टर्मिनल हो सकता है. डम्ब टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड लिमिटेड मेमोरी. तो माइक्रो प्रोसेसर और लिमिटेड मेमोरी होती है डम्ब पोजीशन टर्मिनल के अंदर. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कैरेक्टर्स. तो जो कुछ भी कैरेक्टर्स हैं बेसिक तरह के, उसके इनपुट आउटपुट के लिए ये हम डम्ब टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ कॉल्ड डम्ब बिकॉज इट डज नो प्रोसेसिंग ऑन इनपुट कैरेक्टर्स. सो फ्रेंड्स, वो हम इसे डम्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो टर्मिनल है वो कोई भी तरह का प्रोसेस नहीं करता है इनपुट कैरेक्टर्स के ऊपर, लेकिन जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है वो कुछ तरह के प्रोसेसेस कर सकता है ऑन द इनपुट. और इंटेलिजेंट टर्मिनल हैज़ मोर पावरफुल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है वो उसके पास ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ टर्मिनल्स हम यहाँ देख सकते हैं. तो ये रहा एक टर्मिनल, और इसके अंदर है बेसिकली RS-232 और यहाँ पे मेमोरी मैप्ड है. इसके अंदर RS-232 के अंदर हार्ड कॉपी है और ग्लास है, और मेमोरी मैप के अंदर अल्फा न्यूमरिक यानी कि कैरेक्टर ओरिएंटेड या फिर ग्राफिक्स यानी कि बिट ओरिएंटेड है. और ये टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स हैं, और बस हमें ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है टर्मिनल्स किस तरह के होते हैं. अब मेमोरी मैप टर्मिनल हैव अ वीडियो रैम. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है ग्राफिक्स मतलब वीडियो हमने समझ में आ सकता है. एंड इट इज़ बेसिकली द मेमोरी दैट द टर्मिनल हार्डवेयर इटसेल्फ हैज. तो ये इसका मतलब होता है मेमोरी. रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो ये जो है बेसिकली एक मेमोरी होती है जो कि एक टर्मिनल हार्डवेयर खुद के लिए बनाकर रखता है. और टिपिकल अल्फा न्यूमरिक स्क्रीन कैन डिस्प्ले 25 लाइंस. और अगर हम यहाँ पे अल्फा न्यूमरिक स्क्रीन की बात करते हैं तो उसके अंदर काइंड ऑफ 25 लाइंस डिस्प्ले हो सकते हैं, और ईच कंसिस्टिंग 80 कैरेक्टर्स. हर एक लाइन 80 कैरेक्टर्स का हो सकता है. सो 25 × 80 अगर हम करते हैं तो 2000 कैरेक्टर्स टोटल हमें दिखाई दे सकते हैं एक टिपिकल अल्फा न्यूमरिकल स्क्रीन के अंदर. द रिक्वायर्ड वीडियो रैम साइज जो है वो 2000 बाइट्स होता है, और जितने कैरेक्टर्स उतने बाइट्स. तो रैम साइज कितना होता है? रिक्वायर्ड वीडियो रैम साइज 2000 बाइट्स. और यही केस होता है मोनोक्रोम IBM PC के अंदर. तो इसके अंदर बेसिकली IBM PC मोनोक्रोम जो होता है उसके अंदर 2000 बाइट्स लगते हैं रैम साइज. एनी टाइम ऑल 2000 कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन वीडियो रैम आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन बाय वीडियो कंट्रोलर. When we enter data from the keyboard, it is moved to video RAM at appropriate places, after which it is displayed. तो जब भी हम कीबोर्ड से इनपुट डालते हैं तो वो जो वीडियो रैम है वो अप्रोप्रिएट प्लेस के अंदर उसको ले जाता है, और फिर उसके बाद वो डिस्प्ले हो जाता है. फ्रेंड्स, एट्रीब्यूट बाइट ही होता है जो वो बताता है कि किस तरह से कैरेक्टर स्टोर और डिस्प्ले होनी चाहिए. और ये फिगर के अंदर हम देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से बताया गया है. दिस फिगर टेल्स अस वेदर द करस्पॉन्डिंग डेटा कैरेक्टर इज टू बी डिस्प्लेड बोल्ड या फिर अंडरलाइन या फिर ब्लिंकिंग या फिर रिवर्स वीडियो. इस तरह से जो सारे फीचर्स हैं वो करस्पॉन्डिंग डेटा कैरेक्टर किस तरह से हमें दिखाना है, किस तरह से उसको विजुअली डिस्प्ले करना है, वो बेसिकली वीडियो काम करता है. ये हम देख सकते हैं. फॉर बिट ओरिएंटेड कलर ग्राफिक्स टर्मिनल वी नीड 24 to 32 बिट्स फॉर ईच बाइट और बिट्स. दिस इंक्रीजेस वीडियो रैम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट. हम देख सकते हैं ये वीडियो रैम है फॉर मोनोक्रोम IBM PC.
और यहाँ पे एट्रीब्यूट डेटा इस तरह से स्टोर होता है, बाइट जीरो, बाइट जीरो, बाइट वन, बाइट वन, इस तरह से। बेसिकली ये बाइट जीरो का है एट्रीब्यूट और डेटा, ये बाइट वन का है एट्रीब्यूट डेटा। सिमिलरली बहुत सारे यहाँ पे इस तरह से बाइट्स स्टोर होते हैं। और लास्टली यहाँ पे एट्रीब्यूट है और बाइट है, सॉरी एट्रीब्यूट और डेटा है ऑफ बाइट 1999, इस तरह से ये सारा जो है वो स्टोर होता है। और हम देख सकते हैं ये वीडियो रैम का कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है, ये वीडियो रैम है। व्हेन अ कैरेक्टर इज कीड इन द सर्किट इन कीबोर्ड जनरेट्स 8 बिट्स ASCII, यानी कि EBCDIC कोड, यानी कि ASCII कोड बेसिकली प्रिंट हो जाता है। जब भी हम कीबोर्ड के अंदर से जब भी हम कोई भी तरह का की प्रेस करते हैं तो वो एक 8 बिट ASCII कोड जनरेट हो जाता है। ASCII कोड क्या होता है वो भी हमने वीडियो में अच्छे से सीखा है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ASCII कोडिंग के बारे में। एंड दिस कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ द टर्मिनल, और यही जो कुछ भी 18 बिट कोड हम जनरेट हो रहा है हमारे की वजह से, प्रेस करने की वजह से, वही कैरेक्टर जो है वो टर्मिनल के मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है और फिर वो फर्दर मूव किया जाता है इनटू बफर, यानी कि रैम मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो जो पर्टिकुलर जो स्टोर हो गया है रैम के अंदर, बफर के अंदर, इट इज़ सेंड टू वीडियो रैम, यानी कि वो जो रैम है वो वीडियो रैम के अंदर वो सेंड करता है एंड वो फिर डिस्प्ले हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स टू सेपरेट बफर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो सेपरेट इनपुट ऑपरेशंस और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए दो सेपरेट बफर्स जो है वो OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी जो है वो हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और मतलब सिंपल है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर जो कुछ भी हमने इन डिटेल स्टार्टिंग में पढ़ा है, इन शॉर्ट आई मीन, वो हम अभी इन डिटेल पढ़ेंगे। इन मल्टी यूजर सिस्टम्स many users and programmers sit at their respective terminals and execute the same or different programs. Despite many users working on same system, each one feels as if the entire system is being used by him only. So friends, यहाँ पे multi-user system की जब भी हम बात करते हैं तो हर एक programmer, हर एक user जो है वो अलग अलग task perform कर रहा होता है अलग अलग terminals, उसके respective terminals के ऊपर, लेकिन उसे ऐसे इस तरह से फील होता है कि उसका जो जो कुछ भी वो सिस्टम है वो उसकी खुद के एक एंटायरली इंडिपेंडेंट सिस्टम है और उसी के ऊपर वो खुद अकेला काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो है वो इस तरह का जो इम्प्रेशन जो बनता है यूज़र के ऊपर वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। द डिस्क स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा फॉर ऑल द यूजर्स, जो डिस्क है वो सारे प्रोग्राम्स और डेटा स्टोर करता है। OS enables CPU to switch from one user to another and the operating system allocates CPU time to users. So friends, CPU time जो है वो allocate करता है OS, जैसे हमने starting में देखा था, and this is done by process management. तो ये जो time है CPU time वो user को allocate करना, यही काम होता है process management का। तो process का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। A process is a program under execution which competes for the CPU time and other resources. A program loaded into main memory for execution becomes a process. So friends, यहाँ पे ये दो lines काफ़ी ज़्यादा important है। Main memory का मतलब यहाँ पे RAM होता है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। प्रोसेस जो कि प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली प्रोग्राम जो अंडर एग्जीक्यूशन है, जो हमने देखा था रनिंग प्रोग्राम बेसिकली, तो जो प्रोग्राम विच इज़ अंडर एग्जीक्यूशन और रनिंग प्रोग्राम जो कि CPU टाइम के लिए कॉम्पीट कर रहा होता है और अदर रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रहा होता है, वही होता है प्रोसेस। अ प्रोग्राम लोडेड इन टू द मेन मेमोरी यानी कि रैम फॉर एग्जीक्यूशन बिकम्स अ प्रोसेस, जो कि हम रैम जो कुछ भी प्रोग्राम हम लोड करते हैं रैम के अंदर, जो एग्जीक्यूट होना मतलब जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसी को हम कहते हैं प्रोसेस। मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं। सिंगल यूजर कैन नॉट कीप ईदर CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिजी एट ऑल टाइम्स, मतलब जो एक सिंगल यूजर है वो पूरा CPU का टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग एक ऐसा अटेम्प्ट है कि हम CPU यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर सकें ताकि CPU हमेशा बिजी रहे और उसके पास कुछ ना कुछ हो एग्जीक्यूट करने के लिए। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर वी कैन रन टू प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली, यानी कि हम दो प्रोसेसेस एक साथ रन कर सकते हैं। इफ प्रोसेस वन वेट्स फॉर इनपुट आउटपुट या फिर CPU एग्जीक्यूट्स,
फॉर इनपुट आउटपुट, तो सीपीयू जो है वो सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, और अगर सेकेंड प्रोसेस ऑन गोइंग होता है तो फर्स्ट प्रोसेस वेट करता है, इस तरह से वो चलता रहता है। देन सीपीयू जो है वो आइडल नहीं होता है, उसे हम कुछ ना कुछ काम देते हैं और वो बिजी रहता है, एज लॉन्ग एज देयर इज सम प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, एंड देयर विल बी सम टाइम लॉस्ट इन टर्निंग अटेंशन फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सो फ्रेंड्स, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो कुछ भी ये दो लाइन्स का डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी सीपीयू मतलब जब भी दो प्रोसेसर चल रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, और जब भी सीपीयू थोड़ा बहुत टाइम लैग करता है जब भी एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस को स्विच करने के लिए, तो वो जो टाइम लैग्स हैं उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ये हमें याद रखना है। और यहाँ पे ये जो फिगर है वो बताता है सीपीयू यूटिलाइजेशन विद टू प्रोसेसेस। जैसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फॉर एग्जांपल, ये वन है वो रन हो रहा है, फिर आइडल है, फिर जो प्रोसेस है वो रन हो रहा है दूसरे प्रोसेस के अंदर, ये जो काइंड ऑफ एक टाइम यहाँ पे जो हो रहा है वो हमें कहते हैं, उसी टाइम को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी कि जो दो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उसके बीच में टाइम स्विच करने के लिए जो उसे रखता है उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। द नंबर ऑफ प्रोसेस रिमेनिंग रनिंग साइमल्टेनियसली एंड कॉम्पीटिंग फॉर सीपीयू आर इज नोन एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमें पता चल गया है कि क्या होता है, और जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस है जो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली रन कर रहे थे, तो इसका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 2 हो गया। तो इसी तरह से जो सारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं रनिंग साइमल्टेनियसली एंड कॉम्पीटिंग फॉर सीपीयू टाइम, इसे को हम कहते हैं डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग। As this increases, CPU utilization increases, but then each process may get delayed attention. So friends, अगर degree of multiprogramming increase होता है तो CPU utilization increase होता है, लेकिन एक यहाँ पे disadvantage ये है कि कुछ processes के लिए CPU का attention जाने के लिए थोड़ा time लग सकता है, यानी कि attention के लिए delay हो सकता है। Context switching थोड़ा in depth पढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्टैंड्स फॉर टर्निंग अटेंशन ऑफ सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, जैसे हमने डिस्कस किया था। व्हाइल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मेमोरी कंटेंट्स ऑफ ओल्ड प्रोसेस आर स्टोर्ड समवेयर, अदरवाइज रीस्टार्टिंग दिस प्रोसेस वुड बी इम्पॉसिबल। तो बस हम कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर रहे हैं और ना कि पूरा उसको खत्म करके दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, बस स्विच कर रहे हैं। तो जो पहला कुछ जो कुछ भी मेमोरी के अंदर जो कुछ भी कंटेंट्स है ओल्ड प्रोसेसेस का वो कहीं स्टोर होता है, और फिर हम दूसरे प्रोसेस के अंदर स्विच करते हैं, ताकि हमेशा जब हम स्विच करते हैं तभी हमें पूरा रीस्टार्ट मतलब पूरे स्टार्टिंग से हमें प्रोसेस नहीं करना पड़े, इसलिए वो कहीं स्टोर हो जाता है। द स्टेटस ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स एंड पॉइंटर्स टू मेमोरी आर स्टोर्ड इन स्पेसिफिक मेमोरी, जिसे हम कहते हैं रजिस्टर सेव एरिया। सो फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है, जो सीपीयू का स्टेटस होता है यानी कि वो भी सी है आइडल है वगैरह, और जो पॉइंटर्स हैं मेमोरी के ऊपर यानी कि जो रैम के अंदर जो कुछ भी पॉइंटर्स हैं वो एक स्पेसिफिक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, मेमोरी एरिया के अंदर स्टोर होते हैं, जिसके हम कहते हैं रजिस्टर सेव एरिया। एंड देन सीपीयू स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग अनदर प्रोसेस, और फिर बोथ प्रोसेसेस जो है वो मेन मेमोरी के अंदर आर इन मेन मेमोरी इवन आफ्टर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब भी होता है तभी दोनों भी प्रोसेसेस जो है वो मेन मेमोरी के अंदर ही रहते हैं। और आप सोचेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है, तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो पर्टिकुलर पहला प्रोसेस है उसका जो कॉन्टेक्ट कंटेंट है बेसिकली वो हम कहीं सेव कर देते हैं, जिसका नाम है रजिस्टर सेव एरिया। और फिर जब भी वो दूसरे प्रोसेस के अंदर स्विच करता है तो वो इसी के बाद में जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो ये हमें रजिस्टर सेव एरिया ध्यान रखना है। आफ्टर सम टाइम द ओल्ड प्रोसेस इज स्केड्यूल्ड अगेन एंड सीपीयू एग्जीक्यूट्स इट फ्रॉम वेयर इट हैड लेफ्ट, और जो टाइम लॉस्ट है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर वो काफ़ी लो होता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल एक स्टेप होता है मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर हम अपनाते हैं। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वैसे भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है वो काफ़ी लो है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस स्टेट्स की। एंड ऑल टू मैनेज स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस, जैसे हमने देखा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो हो रहा था, OS जो है वो डिफाइंस 3 बेसिक प्रोसेस स्टेट्स। सो फ्रेंड्स, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कौन सी 3 प्रोसेस स्टेट्स हैं। हमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में अभी जो 2-3 दिनों में होने वाला है, रनिंग, रेडी और ब्लॉक्ड। ये जो 3 स्टेट्स हैं उसे हम कहते हैं प्रोसेस स्टेट्स। तो स्टार्ट करते हैं रनिंग का, मतलब होता है सीपीयू कैन एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोसेस एट अ गिवन मोमेंट, और यही जो प्रोसेस है
दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रनिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स ये जो रनिंग प्रोसेस है, रेडी प्रोसेस है और ब्लॉक प्रोसेस है, इसका मतलब बेसिकली रनिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, रनिंग मतलब ऑन गोइंग, जो कुछ भी सीपीयू जो अभी एक पर्टिकुलर करंट गिवन मोमेंट पर एक पर्टिकुलर टाइम पर एग्जीक्यूट जो कुछ भी प्रोसेस कर रहा है, सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा वो, और वो जो भी प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रनिंग प्रोसेस। रेडी प्रोसेस मतलब अ प्रोसेस विच इज़ नॉट वेटिंग फॉर एनी एक्सटर्नल इवेंट सच एज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड विच इज़ नॉट रनिंग इज सेड टू बी इन रेडी स्टेट। सो फ्रेंड्स ऐसा प्रोसेस जो कि वेट भी नहीं कर रहा है ना ही रनिंग पोजिशन में है, ऐसे जो प्रोसेस है हम कहते हैं रेडी स्टेट। फिर है ब्लॉक्ड स्टेट, इसका मतलब है कि व्हेन द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन एक्सटर्नल इवेंट सच एज एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन द प्रोसेस इज सेड टू बी ब्लॉक्ड स्टेट। मतलब एक कोई भी प्रोसेस है जिसे हमने रुका के रखा है और उसी को हम कहते हैं ब्लॉक्ड स्टेट, और जो वेटिंग नहीं है ना कि रनिंग है उसे हम कहते हैं रेडी स्टेट। और रनिंग का मतलब है जो करंटली अभी एग्जीक्यूट हो रहा है वो। द ब्लॉक प्रोसेस कैन नॉट बी स्केड्यूल्ड इवन इफ कंप्यूटर इज फ्री, क्योंकि वो हमने रुका के उसे रखा है तो वो हम स्केड्यूल नहीं कर सकते हैं भले कंप्यूटर फ्री है फ्री हो। वेयरएज रेडी प्रोसेस कैन बी स्केड्यूल्ड इफ कंप्यूटर इज फ्री, बल्कि जो रेडी प्रोसेस है वो हम स्केड्यूल कर सकते हैं जब भी कंप्यूटर फ्री हो। तभी अभी जो है प्रोसेस स्केड्यूलिंग की बात कर लेते हैं। वाइल स्केड्यूलिंग वेरियस प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS हैव टू चूज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव इट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो भी वो प्रोसेस को स्केड्यूल करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हमें ध्यान रखने हैं। हमें बस एनलिस्ट करने के लिए भी ये पूछे जा सकते हैं और कुछ इसके कुछ सब क्वेश्चंस के साथ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है फेयरनेस, फिर है गुड थ्रूपुट, फिर है गुड सीपीयू यूटिलाइजेशन, फिर है लो टर्न अराउंड टाइम, लो वेटिंग टाइम और गुड रिस्पॉन्स टाइम। सो फ्रेंड्स ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो भी प्रोसेस स्केड्यूल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी प्रोसेस स्केड्यूल करता है तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला तो फेयरनेस, मतलब हर एक प्रोसेस को एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम मिलना चाहिए, कंप्यूटर का सीपीयू का अटेंशन मिलना चाहिए। फिर है गुड थ्रूपुट, फिर है गुड सीपीयू यूटिलाइजेशन यानी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली होना चाहिए। फिर लो टर्न अराउंड टाइम यानी कि टाइम लैप्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर उस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए जो कुछ भी टाइम लगता है सिस्टम प्रोसेसेस के अंदर स्विच करने का, वो टाइम कम होना चाहिए। वेटिंग टाइम भी कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोसेसेस के अंदर बहुत डिले हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। और गुड रिस्पॉन्स टाइम यानी कि एक के बाद दूसरा प्रोसेस तुरंत ही ख़त्म होना चाहिए, तो इस तरह से इसका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर, मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर एक हो रहा है तो दूसरा हम ऑब्जेक्टिव वो सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। फेयरनेस रेफर्स टू बींग फेयर टू एवरी यूजर इन टर्म्स ऑफ सीपीयू टाइम। थ्रूपुट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिव वर्क डन बाय द यूजर पुट टुगेदर। तो ये जो है वो हम वन लाइनर्स के इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेयरनेस क्या होता है और थ्रूपुट क्या होता है, रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्टिव वर्क डन बाय ऑल द यूजर्स पुट टुगेदर। फिर है सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब होता है वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो कि सीपीयू बिजी हुए उस टाइम पे जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है वो है सीपीयू यूटिलाइजेशन। इफ टाइम स्लाइस इज वेरी स्मॉल द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विल बी मोर फ्रीक्वेंट, यानी कि अगर हम टाइम स्लाइस जो है वो कम रखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यानी कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच होने के लिए जो टाइम लगता है वो भी काफ़ी लो होता है। द कॉन्टेक्स्ट स्विचेस विल बी फ्रीक्वेंट, हेंस सीपीयू विल बी बिजी विद ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड देयरफॉर एंड दैट ऑफ द यूजर प्रोसेसेस एंड दैट इज थ्रूपुट विल बी लो बट सीपीयू यूटिलाइजेशन विल बी हाई। तो इस तरह से ये कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग लगते हैं। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि टर्न अराउंड टाइम इज द एलास्ट टाइम बिटवीन द टाइम ऑफ अ प्रोग्राम और जॉब इज सबमिटेड एंड द टाइम व्हेन इट इज कंप्लीटेड। तो जब भी वो पर्टिकुलर टाइम जब भी एक पर्टिकुलर जॉब हम सबमिट कर देते हैं सीपीयू को और वो टाइम जो कि सीपीयू हमें दे देता है रिटर्न करता है जब भी वो कंप्लीटेड होता है, तो वो जो टाइम है उसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। फिर है वेटिंग टाइम, इसका मतलब है कि द टाइम जॉब स्पेंड्स वेटिंग इन अ क्यू ऑफ द न्यूली एडमिटेड प्रोसेसेस फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू एलोकेट रिसोर्सेज टू इट बिफोर कमेंसिंग इट्स एग्जीक्यूशन। तो इसका मतलब होता है वेटिंग टाइम, मतलब जो टाइम मतलब जो सीक्वेंस में जो क्यू में बेसिकली जो प्रोसेस रुका हुआ रहता है वो जॉब पेंडिंग रहता है वेट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं वेटिंग टाइम।
वेटिंग टाइम इज नेसेसरी ड्यू टू कंपीटिशन फ्रॉम अदर जॉब्स यानी कि और प्रोसेसर्स. तो वेटिंग टाइम यहाँ पे क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोसेसर्स जॉब्स होते हैं वो सीपीयू टाइम के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं, इसलिए ये वेटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट आता है इसमें. रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है द टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द आंसर या फिर द रिजल्ट और बेसिकली द आंसर या फिर रिजल्ट टू द क्वेश्चन या फिर इवेंट. तो उसका मतलब होता है रिस्पॉन्स टाइम. इसका बाद है इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. जैसे हमने देखा था बेसिकली कितने प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग. तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है रिस्पॉन्स टाइम, मतलब कितने सारे प्रोग्राम्स हैं और अकॉर्डिंगली हमें कितना कितने टाइम पे वो जो प्रोग्राम्स हैं वो इनटू कंसिडरेशन हो जाएंगे सीपीयू के. एफिशिएंसी ऑफ द हार्डवेयर एंड पॉलिसी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू एलोकेट रिसोर्सेज. कितना हार्डवेयर का एफिशिएंसी है और क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी पॉलिसी है रिसोर्सेज एलोकेट करने के, इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है रिस्पॉन्स टाइम. रिस्पॉन्स टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑनलाइन और रियल टाइम सिस्टम्स. तो जो फिलहाल अभी ऑनगोइंग जो सिस्टम्स होते हैं उनके रिलेटेड और जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं उनके लिए ये जो रिस्पॉन्स टाइम है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है. सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की, वो चुकी है प्रायोरिटी. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी इज इम्पोर्टेंट सिंस मेनी प्रोसेसर्स आर कम्पीटिंग टू ईच अदर फॉर रिसोर्सेज लाइक सीपीयू टाइम मेमोरी एक्सेट्रा. तो सीपीयू की वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका टास्क बन जाता है कि वो कौन से प्रोग्राम को प्रायोरिटी दे. प्रायोरिटी कैन बी ग्लोबल यानी कि एक्सटर्नल या फिर लोकल यानी कि इंटरनल. तो हमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रायोरिटी, एक्सप्लेन एक्सटर्नल प्रायोरिटी यानी कि ग्लोबल प्रायोरिटी या फिर लोकल प्रायोरिटी जो कि इंटरनल प्रायोरिटी होता है. तो इस तरह से क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड. External priority is specified by the user externally at the time of initiating a process. External priority मतलब user वो expect करता है वो priority. Second point है during even during execution it can be changed. Execution के दौरान हम change कर सकते हैं वो जो time है वो priority है वो. और थर्ड है कि इफ़ द यूज़र डज नॉट स्पेसिफाई प्रायोरिटी देन डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज असाइन. यूज़र अगर असाइन नहीं करता है तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो असाइन हो जाता है. फॉर अर्जेंट जॉब्स हाई प्रायोरिटी कैन बी असाइन. जो जॉब्स अर्जेंट हैं उनके लिए हम हाई प्रायोरिटी सेट करते हैं. इंटरनल प्रायोरिटी के अंदर हम बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ करंट स्टेट ऑफ प्रोसेस यानी कि अभी जो करंट प्रोसेस क्या है और प्रोसेस का स्टेट क्या है उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है इंटरनल प्रायोरिटी का. और सेकेंड पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल ईच यूजर while firing a process can be forced to also specify the expected time that the process is likely to take for completion. लेकिन operating system क्या करता है कि वो internal priority को set करता है which is the highest for shortest job. तो ये calculation इस तरह से है कि जो सबसे छोटा job है जो तुरंत ख़त्म होने वाला है उसके लिए वो high priority देता है. बल्कि यहाँ पर जो urgent jobs है भले ही वो लंबे हो बड़े हो ज़्यादा time लेते हो उनके लिए external priority में हम उससे ज़्यादा priority देते हैं. तो उसके हिसाब से ये प्रायोरिटी चेंज होता है. यह वी गेट टू एडवांटेजेस. पहला है, सबसे पहला है कि शॉर्टेस्ट जॉब्स हैं वो अच्छे से फिनिश हो जा सकते हैं. एंड सेकंड है कि एट एनी गिवन टाइम द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंपीटिंग विद सीपीयू डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जॉब्स तुरंत एग्जीक्यूट हो जाते हैं जो छोटे हैं वो ख़त्म हो जाता है सबसे पहले. तो जो जो सारे प्रोसेसेस हैं जो सीपीयू के लिए कम्पीट कर रहे हैं वो डिक्रीज हो जाता है. बट इफ स्मॉल जॉब्स कीप कमिंग ऑन, लेकिन अगर छोटे जॉब्स अगर हम लेते रहे और सीपीयू अगर वही एग्जीक्यूट करता रहे तो लार्ज जॉब्स जो है वो इन्फिनाइट पोस्टपोनमेंट सफर कर सकता है. और ये हम अवॉइड भी कर सकते हैं कैसे, बाय सेटिंग एक्सटर्नल प्रायोरिटी हाई टू दोज इम्पोर्टेंट लार्ज जॉब्स. तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो कैलकुलेट करता है रिजल्टेंट प्रायोरिटी, मतलब एक्सटर्नल कितना है और बोथ इंटरनल कितना है उसके हिसाब से. कमर्शियल अगर हम बात करते हैं डेटा सेंटर्स वेयर ईच यूजर पेज फॉर द टाइम यूज, नॉर्मली हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस आर चार्ज एट द हाई रेट टू प्रिवेंट ईच यूजर फ्रॉम फायरिंग हिज जॉब एट हाईएस्ट प्रायोरिटी नोन एज परचेस प्रायोरिटी. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज परचेस प्रायोरिटी. तो तीन टर्म्स यहाँ पे हमें ध्यान रखने हैं. पहला है एक्सटर्नल प्रायोरिटी या फिर ग्लोबल प्रायोरिटी, दूसरा है लोकल यानी कि इंटरनल प्रायोरिटी, और तीसरा है परचेस प्रायोरिटी, जिसके अंदर हमें ये पैराग्राफ इंक्लूड करना होगा. परचेज मतलब कमर्शियल बेस पर जो होता है वो. सो कमर्शियल डेटा सेंटर्स में जो है यूजर्स को पे करना पड़ता है फॉर द टाइम यूज. नॉर्मली जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं वो हाई रेट के लिए जो प्रायोरिटी होते हैं उसके लिए उन्हें चार्ज देना होता है.
और इसी के लिए ये प्रिवेंट करने के लिए यूज़ ऑफ फ्रॉम फायरिंग हैज जॉब्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी और इसी को हम कहते हैं पोचेस प्रायोरिटी। सम ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये डू नॉट ऑपरेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी बट इंस्टेड दे हैव फिक्स्ड टाइम स्लाइस फॉर ईच प्रोसेस। तो कई ऐसे ओएस हैं जो प्रायोरिटी के हिसाब से काम नहीं करते हैं, उनके पास खुद का एक फिक्स टाइम स्लाइस होता है पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग की। अ टास्क कैन बी डिफाइंड एज एन असिंक्रोनस कोड पाथ विद इन अ प्रोसेस। तो टास्क हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जो कि असिंक्रोनस कोड पाथ है एक प्रोसेस के अंदर, तो इसके हिसाब से टास्क हम डिफाइन कर सकते हैं। अ प्रोसेस कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टास्क विच कैन रन साइमल्टेनियसली इन द सेम वे दैट द मल्टी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बहुत सारे टास्क एक समय पर कर सकते हैं, जिस तरह से मल्टीपल प्रोसेसेस हम मल्टी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से हम मल्टीपल टास्क यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस भी एक समय पर कर सकते हैं। द मल्टीपल टास्क शुड बी एबल टू रन कॉन्करेंटली विद इन द प्रोसेस। तो एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे टास्क जो है वो कॉन्करेंटली रन होने चाहिए। मल्टीटास्किंग जो है वो अलाउ करता है प्रोग्रामर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्रामर के फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है और सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक प्रोसेस कंसिडर कर लें जो कि दो टास्क परफॉर्म करना है, तो टास्क जीरो और टास्क वन है, दो टास्क जो को परफॉर्म करना है। एक है रीड रिकॉर्ड प्रोसेसर रिकॉर्ड टास्क जीरो एंड, और दूसरा है राइट रिकॉर्ड ऑफ अ टास्क वन एंड। तो पहला जो है उसे हम रीड कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरा जो टास्क है उसके अंदर हम राइट कर रहे हैं। तो इफ टास्क जीरो, अगर हमने जीरो को ब्लॉक कर दिया थोड़ी देर के लिए, इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग एंटायर प्रोसेस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम विल फाइंड आउट वेदर टास्क वन कैन बी स्केड्यूल। तो ओएस जो है वो इस तरह की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हम टास्क वन स्केड्यूल कर दें, और जब भी दोनों भी टास्क ब्लॉक किए जाते हैं ओनली देन द एंटायर प्रोसेस इज ब्लॉक। और अगर दोनों टास्क ब्लॉक किए हैं तो ही एंटायर प्रोसेस ब्लॉक कर हो जाता है। अगेन, इवन इफ वन टास्क इज रेडी द प्रोसेस कैन मूव टू रेडी लिस्ट एंड देन स्केड्यूल्ड। और अगर इसमें से एटलीस्ट एक ब्लॉक रेडी पे होता है रेडी प्रोसेस के अंदर, तो वो जो ओएस है वो उसको स्केड्यूल कर देता है तुरंत और उसे कंप्लीट कर देता है, और इसी के चलते जो ओवरहेड्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो रिड्यूस हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम टाइम स्लाइस की टाइम शेयरिंग की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लेते हैं टाइम शेयरिंग के बारे में। तो कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड इन ओली एज ओली एज 1960। दे प्रोवाइड इंटरैक्टिव यूज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का इंटरैक्टिव यूज का मतलब होता है टाइम शेयरिंग। इट यूजेस सीपीयू स्केड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड ईच यूजर विद स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम शेयर्ड कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है टाइम शेयरिंग का, वो यूज़र को जो है वो प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम शेयर्ड कंप्यूटर बाय द प्रोसेस ऑफ सीपीयू स्केड्यूलिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो ये जो दो प्रोसेसेस हैं उन्हें हम इन कंसिडरेशन लाकर जो है वो यूज़र को ये थोड़ा जो टाइम शेयर्ड कंप्यूटर का जो है स्मॉल पोर्शन टाइम स्लाइस वो हम उसे अलॉट कर देते हैं। ईच यूज़र हैज़ अ सेपरेट प्रोग्राम इन द मेमोरी, और हमें पता है ये when the program executes it only executes for a short time before it either finishes or needs to perform input output. तो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये जो है वो कुछ एक छोटी ड्यूरेशन के लिए एग्जीक्यूट होता है। OS जो है will rapidly switch the computer of the program of some other user, और जब ये time यहाँ पे जो यहाँ पे वेस्ट काइंड ऑफ होता है, तो इस दौरान ओएस का काम होता है कि सीपीयू को स्विच कर दे दूसरे कोई प्रोग्राम की तरफ। टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मेनी यूजर्स टू साइमल्टेनियसली शेयर दिस कंप्यूटर। तो ये जो टाइम शेयर ओएस है वही जो है वो यूज़र को जो है वो बेनिफिशियल होता है, ताकि वो साइमल्टेनियसली शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर को। ईच एक्शन और कमांड इन टाइम शेयर सिस्टम टेंड्स टू बी शॉर्ट, ओनली अ लिटिल सीपीयू टाइम इज नीडेड फॉर सच ईच यूजर। तो यहाँ पर जो है हर एक एक्शन या फिर हर एक कमांड को जब भी हम टाइम शेयर सिस्टम्स के अंदर हम देखते हैं कंसिडर करते हैं, तो वो काफ़ी शॉर्ट होता है, और इसी की वजह से जो सीपीयू है उसके लिए कम टाइम देना पड़ता है हर एक यूजर के लिए। As the system rapidly switches from one user to another, users are given impression that they have their own computer, while actually
वन कंप्यूटर इज शेयर अमंग मैनी यूजर्स. तो यहाँ पे चूंकि टाइम शेयर होता है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए जो टाइम है वो काफ़ी कम लगता है, इसलिए हर एक यूज़र का ऐसा लगता है कि उसका एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम है, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा यूजर्स से वो जो पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम है वो शेयर होता है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने प्रोसेस रिलेटेड जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो कंप्लीट कर लिया है, IM भी कंप्लीट कर लिया. अभी हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी का मतलब है रैम और एलोकेशन और डी एलोकेशन का ही यहाँ पर काम होता है. MM इज लास्ट पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम अभी पढ़ेंगे. इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. पहला तो कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द मेमोरी लोकेशंस फ्री एंड एलोकेटेड. तो जितना एलोकेटेड है और जितना फ्री है उसका ट्रैक रखना मेमोरी लोकेशंस का. सेकेंड है कि टू डिसाइन मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, यानी कि जो पॉलिसी है बेसिकली कितना मेमोरी किसको कितना एलोकेट करना चाहिए. देन इज द प्रोसेस शुड गेट हाउ मच, मतलब कौन सा प्रोसेस को कितना टाइम लगना चाहिए, कितना मेमोरी उसके लिए यूटिलाइज होना चाहिए, वो मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी होता है. और लास्टली टू यूज वेरियस टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम टू एलोकेट एंड डीएलोकेट मेमोरी लोकेशंस. तो ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं बेसिकली उसके लिए एफिशिएंटली हम किस तरह से एल्गोरिदम्स, मतलब जो एलोकेशन और डीएलोकेशन है उसके लिए किस तरह से अलग अलग वेरियस टेक्निक्स और एल्गोरिदम्स बना सकते हैं, तो ये सारा काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का. और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है समझने के लिए. द टिपिकल मेमोरी मैप फॉर सिंगल यूजर कंप्यूटर, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है. अभी रिसेंटली जो पेपर्स है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द टिपिकल मेमोरी मैप ऑफ सिंगल यूजर कंप्यूटर. और आप यदि क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा. और मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर्स के सारे रिपीटेड है, उसके अंदर कवर हो चुके हैं. और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारे जो भी नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है और जो C++ और जो माइक्रो प्रोसेसर का चैप्टर है इंस्ट्रक्शन सेट्स वाला, वो सारे हम प्रोग्राम्स अभी अपलोड करने वाले हैं ये चैनल पे, तो आप इसमें कृपया बने रहें. सो फ्रेंड्स, हम विदाउट वेस्टिंग टाइम कंटिन्यू करते हैं. टिपिकल मेमोरी मैप फॉर सिंगल यूज कंप्यूटर, और यहाँ पे उसका एक काइंड ऑफ एक फिगर है. हम देख सकते हैं ये फ्री मेमोरी है, ये प्रोसेस है, ये कमांड इंटरप्रेटर है, और फिर ये कर्नल है. सो फ्रेंड्स, इसमें हम फर्दर देखते हैं किस तरह से होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक MS-DOS इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इज ऑल्सो नोन एज सिंगल टास्किंग सिस्टम. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा वो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम बात कर रहे थे. ये जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल MS-DOS, द कमांड इंटरप्रेटर ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन्वोक्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड. तो ये जो कमांड इंटरप्रेटर है वो इन्वोक किया जाता है जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब. और OS जो है वो लोड करता है प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर, और उसको कितना जितना हो सके उतना मेमोरी जो है वो उसको असाइन कर देता है. इट देन सेट्स द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम. और फिर वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को सेट करता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. और अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है तो वो मेमोरी से रिमूव कर दिया जाता है. एंड द मेमोरी मैप फॉर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, कर्नल, कमांड इंटरप्रेटर एंड द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूटेड एंड फ्री अवेलेबल मेमोरी. हम देख सकते हैं ये फ्री मेमोरी स्पेस है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, बेसिकली कमांड जो कि एग्जीक्यूट होना चाहता है, ये कमांड इंटरप्रेटर है, और फिर एक कर्नल. कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली क्या करता है, वो इट प्रोवाइड्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज व्हाइल कमांड इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स. तो ये जो कर्नल है वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जो कमांड इंटरप्रेटर है वो इंटरप्रेट करता है कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स होने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं पार्टीशनिंग की. सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट मेथड टू अलाउ मल्टी प्रोग्रामिंग. तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग को अलाउ करने के लिए कुछ मेमोरी मैनेजमेंट मेथड्स जो कि पार्टीशनिंग जैसे होते हैं उसे हम इस्तेमाल करते हैं सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स. पार्टीशनिंग मीन्स डिवाइडिंग द मेन मेमोरी, यानी कि जो बेसिकली हमारा रैम होता है वो जो मेन मेमोरी होता है बेसिकली उसे हम डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस सेक्शंस एंड दीज सेक्शंस आर कॉल्ड एज पार्टीशंस. और वो जो हम डिवाइड करते हैं वही सेक्शंस को हम कहते हैं पार्टीशंस. और ये जो सेक्शंस है, जो पार्टीशंस है, वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, लेकिन जब हम उसे एक बार जब हम उसको डिफाइन कर देते हैं या फिर डिसाइड करते हैं कि ये इतने साइज का होगा, तो वो चेंज नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि रैम के अंदर वो फिक्स्ड हो जाता है. एंड हेंस दीज पार्टीशंस आर कॉल्ड एज फिक्स्ड पार्टीशंस. चूंकि हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, सो दे कॉल्ड एज फिक्स्ड पार्टीशंस. एंड दीज पार्टीशंस कैन बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स,
ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम एलोकेट कर सकते हैं ये पार्टीशंस. फॉर एग्जांपल मेमोरी जो कि 32 के का है यहाँ पर, बेसिकली जो 32,000 का जो 22 का बेसिकली जो मेमोरी है वर्ड्स बेसिकली यहाँ पर वर्ड्स यूज़ किया है. सो 32,000 वर्ड्स का जो कुछ भी एक मेमोरी है इट मैन बी डिवाइडेड इन टू रीजन्स ऑफ द फॉलोइंग साइजेस. सो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक बॉक्स है वो काइंड ऑफ एक मेमोरी है, मेन मेमोरी जिसे हम कहते हैं रैम. इसके अंदर हमने कुछ पार्टीशंस कर रखे हैं, चार पार्टीशंस हमें दिख रहे हैं. एक है रेसिडेंट मॉनिटर, दूसरा है वेरी स्मॉल जॉब्स, थर्ड है एवरेज जॉब्स और फिर है लार्ज जॉब्स. इस तरह से हमने पार्टीशन कर रखे हैं, सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है और उसके हिसाब से हम मेमोरी यहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं. जो स्पेस है वो 10K यानी कि 10,000 वर्ड्स रेसिडेंट मॉनिटर के लिए, फिर 4,000, 6,000, 5,000. फिर हम यहाँ पर इस तरह से पार्टीशनिंग हमें दिख जाएगा. यहाँ पर स्मॉल जॉब्स के लिए 4,000, एवरेज जॉब्स के लिए 6,000, लार्ज जॉब्स के लिए 12,000 और मॉनिटर जो कि रेसिडेंट मॉनिटर है उसके लिए 10,000 वर्ड्स. और हम देख सकते हैं टोटल यदि हम करते हैं 6 + 10 = 6 + 4 = 10 प्लस 10 20 और फिर ये 30 और फिर 2, तो इस तरह से 32 हमारे पास जो वर्ड्स 32,000 वर्ड्स है उसका हम इस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं. अदर जॉब्स ऑफ द एंटायर सिस्टम दे आर पुट टुगेदर इन अ जॉब क्यू, मतलब एक काइंड ऑफ लाइन के तरह सीक्वेंशियली वो एग्जीक्यूट होता है. और जो जॉब स्केड्यूलर है वो एक एक अकाउंट में लेता है मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द ईच जॉब इज अवेलेबल इन द रीजन डिटरमाइनिंग व्हिच जॉब्स आर एलोकेटेड इन द मेमोरी. व्हेन द जॉब इज एलोकेटेड, व्हेन द जॉब इज एलोकेटेड स्पेस इट इज लोडेड इन टू द रीजन. जब भी हम उसको स्पेस एलोकेट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर लोड हो जाता है एंड देन इट कैन कम्पीट फॉर सीपीयू, तो फिर वो सीपीयू के लिए कम्पीट करता है, सीपीयू टाइम के लिए बेसिकली. एंड मेरा जॉब टर्मिनेट्स तो वो जो है वो मेमोरी जो कुछ भी एलोकेटेड है, फॉर इंस्टेंस वेरी स्मॉल जॉब्स 4,000 वर्ड्स का ये है, जब ये कम्प्लीट हो जाता है तभी ये जो स्पेस है वो डीएलोकेट हो जाती है और फिर जो हमारा नया जॉब है उसके बाद का वो उसके अंदर स्केड्यूल हो जाता है. सो फ्रेंड्स ये था पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट. अभी हम बात कर लेते हैं वेरिएबल पार्टीशंस का. अ फिक्स्ड पार्टीशन सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स. फ्रेंड्स यहाँ पे जो फिक्स्ड पार्टीशंस है उसे उन्हें हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के प्रॉब्लम्स की तरह और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यानी कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस विद इन अ पार्टीशन. सो फ्रेंड्स ये हमने पार्टीशन किया और इसके अंदर ही स्पेस जो है वो वेस्ट हो सकती है और वही प्रॉब्लम को हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. तो जो फिक्स पार्टीशन है उसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, लेकिन वेरिएबल पार्टीशंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ये प्रॉब्लम बेसिकली रिजॉल्व होता है. इट ऑल्सो लिमिट्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो ये भी लिमिटेड हो जाता है यहाँ पर वेरिएबल पार्टीशंस के अंदर. द ओवरकम्स द प्रॉब्लम्स एंड इन वेरिएबल पार्टीशंस द नंबर ऑफ पार्टीशंस एंड देयर साइजेस वेरिएबल हो सकते हैं, यानी कि वो डिफाइंड नहीं रहते हैं एट द टाइम ऑफ द सिस्टम जनरेशन और एट एनी गिवन टाइम एनी पार्टीशन कैन बी फ्रीड या फिर एलोकेटेड टू सम प्रोसेस. इन वेरिएबल पार्टीशंस की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एनी पार्टीशन इज नॉट फिक्स्ड, उसका स्टार्टिंग एड्रेस फिक्स नहीं होता है. और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वेरिएबल पार्टीशंस है, इसके अंदर जीरो से सारा कुछ जो है वो स्टार्ट होता है और इसके हिसाब से 40,000, 100,000, 200,000 इस तरह से जो है वो जॉब्स जो है वो एलोकेटेड होते हैं. जब ये जॉब टर्मिनेट होता है तो दूसरा जॉब हो जाता है और फिर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह से ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो हम किस तरह से वेरी कर सकते हैं. और ये जो है वो डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जॉब जो है वो टर्मिनेट होने पर दूसरे जॉब के अंदर वो स्पेस जो है वो एलोकेट हो जाता है और फिर इसी तरह से पूरा जॉब कंप्लीट होता है. अभी हम बात कर लेते हैं पेजिंग की. पेजिंग का मतलब होता है फिक्स्ड पार्टीशन सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. हमने जैसे देखा फिक्स्ड पार्टीशन के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, देयर इज वेस्ट ऑफ मेमोरी स्पेस विद इन अ पार्टीशन. इफ देयर इज पार्टीशन ऑफ 4K यानी कि अगर 4000 साइज का अगर पार्टीशन होता है एक्सीडिंग अ जॉब ऑफ 2000 साइज देन देयर इज वेस्ट ऑफ 2000 साइज. तो अगर 4000 का साइज है और अगर सिर्फ जॉब सिर्फ 2000 का है तो 2000 जो है साइज वो वेस्ट हो जाता है वहाँ पर स्पेस. सिमिलरली वेरिएबल पार्टीशंस जो है वो सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इसीलिए जो सपोज जॉब ऑफ साइज ऑफ 7K इज टर्मिनेटेड, अगर 7000 का जॉब टर्मिनेट हो चुका है और जॉब ऑफ 2000 साइज में भी लोडेड एंड पार्टीशन ऑफ 5000 रिमेन्स, तो 7000 का जो जॉब है वो खत्म होता है तो 2000 का वहाँ पर अगर लोड होता है तो 5000 बचता है तब भी. एंड दिस कॉज द मेमोरी वेस्टेज और इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. और ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं बाय द टेक्निक ऑफ कॉम्पैक्शन और पेजिंग. कॉम्पैक्शन की आइडिया हमें थोड़ी बहुत है पहले से लेकिन वो अलग फॉर्मेट में थी, अभी का कॉम्पैक्शन अलग है. और अभी हम बात कर लेते हैं और दूसरा टेक्निक है पेजिंग की.
Compaction changes allocation of memory to make free space contiguous and hence it is useful. Compaction का मतलब होता है कि वो जो allocation है, मतलब जो memory वो allocate कर रहा है और space को, contiguous space को वो free कर रहा है, उसके लिए वो useful होता है. Paging permits programs memory to be non-contiguous and thus allowing a program to be allocated physical memory wherever it is available. तो कॉम्पैक्शन के अंदर कंटिग्यूसली फ्री स्पेस हम एलोकेट करते हैं, बल्कि पेजिंग के अंदर ऐसा नेसेसरी नहीं होता है कि जो मेमोरी लोकेशंस है वो कंटिग्यूस हो, वो नॉन कंटिग्यूस भी हो सकते हैं. द लॉजिक और वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज्ड पेजेस एंड द फिजिकल मेन मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज्ड पेज फ्रेम्स. तो इस तरह से हम पेज फ्रेम्स के अंदर वो जो है वो डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर लॉजिकल और या फिर वर्चुअल एड्रेसेस को, जो कि प्रोग्राम का जो स्पेस होता है उसके रिलेटेड. द साइज ऑफ पेज इज द सेम एज दैट ऑफ द पेज फ्रेम. तो जो पेज का जो साइज होगा वो पेज फ्रेम के अकॉर्डिंग के साइज का सेम हो जाएगा, सो दैट द पेज कैन बी एग्जैक्टली फिट इन टू द पेज फ्रेम एंड देयरफॉर इट कैन बी असाइन टू एनी पेज फ्रेम और विच इज फ्री. तो हम देख सकते हैं पेजिंग का मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है. एज वी कैन सी दिस इज लॉजिकल मेमोरी. पेज यहाँ पे है 0 से लेकर 3, बेसिकली 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. फिर ये पेज टेबल है, इसके अंदर हमने 0, 1, 2, 3 पेजेस इस तरह से इंडेक्स काइंड ऑफ बनाकर सेव किया है. ये एक पर्टिकुलर पेज फ्रेम के अंदर उतने ही साइज का पेज है ये, और इसके अंदर हमने 1, 4, 3, 7 कुछ वैल्यू स्टोर किए हैं और ये फ्रेम नंबर है. इसके अंदर जो 1, 2, 3, 4 जो हमने इंडेक्स इस तरह से बनाया है ये लॉजिकल मेमोरी है, ये पेज टेबल है और ये फिजिकल मेमोरी है. फिजिकली ये किस तरह से 1 से लेकर हाईएस्ट से लेकर जो हमारा 0 है, फिर 1 से लेकर जो हमारा हाईएस्ट है 7, उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन के ऊपर वो सेव होगा. फॉर एग्जांपल 1 तो पेज 0, 3 तो पेज 2 इस तरह से हमने इसमें सेव किया है. तो हम देख सकते हैं ये है पेजिंग मॉडल विच सेव्स अमाउंट ऑफ स्पेस. वन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड, पेजेस जो है वो लोडेड हो जाते हैं अवेलेबल फ्रेम्स के अंदर और पेज टेबल जो है वो डिफाइंड हो जाता है टू ट्रांसलेट फ्रॉम यूजर पेज ऑफ द टू द मेमोरी फ्रेम्स. और द पेज साइज जो है वो डिफाइंड होता है हार्डवेयर से कितना हम वो डाल रहे वगैरह. एंड फिर इज टिपिकली अ पावर ऑफ 2, यानी कि 2 का पावर कुछ होता है, मतलब कुछ एक्स रेज टू द पावर 2. फॉर एग्जाम्पल कैन बी 1024 वर्ड्स या फिर 2048 वर्ड्स पर पेज. एंड फॉर एग्जाम्पल 1 MB जो है वो 1024 KB का होता है, x raised to the power 2 के फॉर्मेट में होता है ऑफ मेमोरी. और पेज साइज जो है वो 2 KB का होता है, विल रिक्वायर, इसको अगर हम इसमें से डिवाइड करते हैं तो इसमें ये इतने पेजेस होते फ्रेम के अंदर फिट हो सकते हैं. नंबरिंग फ्रॉम 0 to 511 या फिर हम सिंपली कह सकते हैं पूरा इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, बेसिकली बाइनरी में लिखते हैं, तो 0 का मतलब है इस तरह से और 511 का मतलब है ये पूरा बाइनरी के अंदर. हेंस 9 हाई ऑर्डर बिट्स ऑफ एड्रेस कैन बी रिजर्व टू डिनोट द पेज फ्रेम नंबर. तो इस तरह से 9 हाई ऑर्डर बिट्स के अंदर हम एड्रेस को, जो कुछ भी पेज फ्रेम नंबर है उसका जो एड्रेस है वो हम रिजर्व कर सकते हैं. एंड ईच पेज हैज 2 KB यानी कि 2048 लोकेशंस नंबरिंग फ्रॉम 0 से लेकर 2047, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 2047 जाएगा. दिस रिक्वायर्स 11 बिट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डी. सिमिलरली अगर हम 512 यहाँ से जो हमारा पेज नंबर निकल गया था, यानी कि 1024/2, अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो इसको इसके लिए 9 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन 1024 वुड रिक्वायर 10 एंड 2048 वुड रिक्वायर 11 बिट्स. तो इस तरह से ये जो कुछ भी 2 रेज़ टू द पावर हम बढ़ाते जाते हैं तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग जो बिट्स हैं वो चेंज होते हैं. एंड दैट्स द टोटल एड्रेस वुड बी मेड अप ऑफ 9 बिट्स फॉर पेजेस प्लस 11 बिट्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल 20 बिट्स का हमें यहाँ पर काम होता है. 9 बिट्स ये बेसिकली ये जो यहाँ से जो हमने 9 बिट्स निकाले थे ये एवरेज उसका ये होगा. और 11 बिट्स चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एलोकेशन के अंदर स्टोर लोकेशन स्टोर होते हैं उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट लगता है वो 11 बिट्स का होता है. तो टोटल अगर हम 9 प्लस 11 करते हैं तो 20 बिट्स तक का हमें जो है वो स्पेस वहाँ पर एलोकेट करना पड़ता है. फॉर 2 MB ऑफ मेमोरी हैविंग पेज साइज ऑफ 2 KB हमें रिक्वायर्ड होता है 2 MB, मतलब 2 × 1024, और अगर हम वो करते हैं तो 2048 मिल जाता है. और फिर
स्पेस साइज कितना है 2, तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं बेसिकली हम मेमोरी जितना भी मेमोरी यूज हो रहा है उसको हम पेज साइज से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअल पेज फ्रेम का साइज जो है वो मिल जाता है। तो यही इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो MB's के अंदर जो पेज का मेमोरी के अंदर जो कुछ भी स्पेस होगा वो डिवाइडेड बाय द पेज साइज अगर हम करते हैं तो हमारे पास पेज फ्रेम्स का साइज मिल जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपली 1024 पेज फ्रेम हो जाएगा एंड दिस विल रिक्वायर 10 बिट्स पर पेज प्लस 11 बिट्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरह से 21 बिट्स का हो जाएगा। तो इस तरह से ये पेज मॉडल होता है, ये भी समझने के लिए काफ़ी सिंपल होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पेजिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर होता है पेजिंग के। पेजेस जो है वो फिजिकल होते हैं, पेजेस आर फिजिकल इन नेचर एंड दे आर फिक्स्ड साइज, वरना सेगमेंट्स जो है वो लॉजिकल डिविजन्स होते हैं प्रोग्राम्स के और वो वेरिएबल साइज के भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, ईच प्रोग्राम जो है इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म कैन बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ सेगमेंट्स, जिसके अंदर कोड हो सकता है, डेटा हो सकता है और स्टैक हो सकता है। फॉर ईच ऑफ दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू फर्दर सेगमेंट्स, और हम देख सकते हैं वो जो है फर्दर और सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड हो सकता है। तो ये है सेगमेंटेशन का मॉडल। इन अ प्रोग्राम नॉर्मली वी हैव मेन प्रोग्राम एंड सम सब प्रोग्राम्स, दीज आर वेरियस फंक्शन सच एज SQRT यानी कि स्क्वायर रूट का फंक्शन या फिर कोई भी तरह का फंक्शन हो सकता है वो। इट इज प्री रिटन एंड प्री कंपाइल्ड, तो वो जैसे ऐसे फंक्शंस जो है SQRT जैसे फंक्शंस जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के, ऐसे फंक्शंस प्री रिटन होते हैं और प्री कंपाइल्ड होते हैं और वो जो है वो एक पर्टिकुलर दूसरा सेगमेंट बन जाता है। एंड ये सेगमेंट्स हमें यहाँ पर इस फिगर में बताए गए हैं। ये मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम सेगमेंट है जो है 0, और ये उसका सब प्रोग्राम सेगमेंट है चुकी है सेगमेंट 2। फॉर एग्जाम्पल, फिर इसके बाद में मेन प्रोग्राम के अंदर स्क्वायर रूट सेगमेंट 1 है, फिर सब प्रोग्राम के अंदर इसके बाद है डेटा एरिया सेगमेंट जो कि 3 होगा, और फिर है स्टैक एरिया सेगमेंट। इस तरह से हमने देखा था कोड, डेटा, स्टैक, इस तरह से ये कोड है, ये पूरा डेटा है, ये स्टैक है। इसके बाद ये जो है वो हम सेगमेंट पढ़ रहे हैं सेगमेंटेशन, तो ये एक सेगमेंट टेबल हमने बनाया है। इसके अंदर हमने #0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखा है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और फिर उसका जो लिमिट है वो लिखा है और उसका जो बेस है वो लिखा है। और ये जो है फर्दर, ये डेटा हम फर्दर सेगमेंट्स में इस तरह से लिख सकते हैं। ये फिजिकल मेमोरी होती है, हम लॉजिकली जो हम सोचते हैं वो हम फिजिकल मेमोरी के अंदर हम इस तरह से बता सकते हैं। सेगमेंट 0, सेगमेंट 3, 2, 4, 1 इस तरह से जो इसका साइज है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको सेगमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिकल मेमोरी। द सेगमेंट टेबल कैन हैज अ सेपरेट एंट्री फॉर ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के लिए एक सेपरेट एंट्री होती है, गिविंग बिगनिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट एंड द फिजिकल मेमोरी एंड द लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। तो ये जो है वो लेंथ है और ये जो है वो बिगनिंग है। इस तरह से बिगनिंग और लेंथ ऑफ द सेगमेंट से हम पूरा जो फिजिकल मेमोरी है वो बना सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी की। प्रोग्राम मैनेजमेंट टेक्निक्स डिस्कस सो फार कीप्स मेनी प्रोसेसर्स एंड मेमोरी साइमल्टेनियसली टू अलाउ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग को अलाउ करने के लिए बहुत से ऐसे प्रोसेसर्स जो है वो प्रोग्राम जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो मेमोरी के अंदर रख देता है। हाउएवर दे रिक्वायर द एंटायर प्रोसेस टू बी इन मेमोरी बिफोर द प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट। लेकिन वर्चुअल मेमोरी जो है वो ऐसी टेक्निक है जो अलाउ करती है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसर्स दैट मे नॉट बी कम्प्लीटली इन द मेमोरी। तो इसके लिए पहले हम देख सकते थे कि जो MM है वो पूरा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन के पहले भी वो मेमोरी के अंदर बना कर रखता था, लेकिन जो वर्चुअल मेमोरी है वो उसको इस तरह से करना कंपल्सरी नहीं होता है। सम पार्ट ऑफ इट कैन बी ऑन डिस्क, इसका मतलब है कि कुछ इसका जो प्रोग्राम प्रोसेस का जो कुछ पार्ट है वो डिस्क के अंदर भी रह सकता है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट द यूजर प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी। तो ये जो वर्चुअल मेमोरी होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है इंप्लीमेंट करने के लिए भी, और वो परफॉर्मेंस को डिक्रीज भी करता है। एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई पेजिंग सिस्टम और रिकम्बाइंड स्कीम्स। प्रोग्राम इज डिवाइडेड टू पेजेस एंड सम पेजेस आर लोडेड इन द मेमोरी व्हाइल रेस्ट ऑफ देम रिमेन ऑन डिस्क। तो यही बेसिकली वर्चुअल मेमोरी का काम होता है कि कुछ जो प्रोसेसर्स, कुछ जो मेमोरी है वो कुछ जो स्पेस है पेजेस है वो मेमोरी के अंदर रहते हैं, बल्कि कुछ जो है वो डिस्क के अंदर रह जाते हैं। व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड दे आर लोडेड इन द मेमोरी। तो यहाँ पे कुछ हम कॉमनली यूज टर्म्स जो कि वर्चुअल मेमोरी के रिलेटेड है वो हम देखते हैं। यहाँ पे 6 टर्म्स हैं और ये क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है फॉर श्योर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सब टॉपिक का वर्चुअल मेमोरी। फर्स्ट है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस।
तो फ्रेंड्स लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पढ़ लेते हैं. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वर्चुअल मेमोरी. तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एक बेसिक प्रिंसिपल होता है वर्चुअल मेमोरी का. इन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वी फोरकास्ट वेदर अ पेज इज लाइकली टू बी रेफरेंस्ड इन द नियर फ्यूचर बेस्ड ऑन इट्स पास्ट बिहेवियर एंड हेंस मे बी रिमूव फ्रॉम द मेमोरी. यानी कि बेसिकली लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के अंदर हम वर्चुअल मेमोरी का ये कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हम वर्चुअली यानी कि पहले से उसे उसके पास्ट बिहेवियर से अंदाजा लगाते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर पेज या फिर प्रोसेस जो है वो फ्यूचर में काम आने वाला है. उसके पास्ट बिहेवियर से पता लगाते हैं और अगर नहीं तो हम उसको मेमोरी से रिमूव कर देते हैं, स्पेस को हम फ्री कर देते हैं. फिर है पेज फॉल्ट. और यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन PYQs में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन पेज फॉल्ट वर्किंग सेट रिप्लेसमेंट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी डर्टी पेज या फिर डर्टी बट इस तरह से. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सिंपल, हम अगर पॉइंट वाइज इसे पढ़ते हैं समझते हैं तो काफ़ी सिंपल है. ये पेज फॉल्ट का मतलब है जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है और मेमोरी के अंदर कुछ ही स्पेस बाकी है और तब भी अगर हम इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से इनकाउंटर हो जाता है जो कि रेफर करता है कोई पेज जो कि मेन मेमोरी यानी कि रैम के बाहर का है तो वो पेज वहाँ पर जो है वो पेज फॉल्ट अकर हो जाता है. एंड एट दिस स्टेज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको रिक्वायर होता है कि वो पर्टिकुलर पेज वो मेमोरी के अंदर लाए. तो ये होता है पेज फॉल्ट. बेसिकली मेमोरी के अंदर जो पेज अगर नहीं होता है वो बाहर कहीं होता है आउटसाइड द मेन मेमोरी तो तभी पेज फॉल्ट अगर होता है. फिर हम बात करते हैं वर्किंग सेट की. वर्किंग सेट मतलब होता है कि एट एनी टाइम प्रोसेस जो हैज़ नंबर ऑफ पेजेस इन फिजिकल मेमोरी लेकिन सभी जो है वो एक्टिवली रेफर्ड नहीं होते हैं. कुछ ऐसे भी सेट्स ऑफ पेजेस होते हैं जो कुछ ही पेजेस ऐसे होते हैं जो एक्टिवली रेफर्ड होते हैं जिसे हम कहते हैं वर्किंग सेट. वर्किंग सेट ही डिसाइड करता है कि बेसिकली कितने पेजेस जो है वो डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर लाने चाहिए और ये जो पॉलिसी होती है उसे वो जो है वो वर्किंग सेट डिसाइड करता है. पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी का मतलब होता है कि एज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड द नंबर ऑफ पेजेस इन द मेन मेमोरी इंक्रीजेस पेज फ्रेम्स जो है वो ऑक्यूपाई हो सकता है. यानी कि एक बेसिकली जो कुछ भी पेज फ्रेम है उसके अंदर अगर प्रोसेसेस बढ़ते गए तो पेजेस बढ़ते जाएंगे तो उसके हिसाब से पेज का फ्रेम है वो ऑक्यूपाई होते जाएगा. और ये टाइम पे इफ फ्यू पेजेस वॉट इन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू ओवरराइड सम द एग्जिस्टिंग पेज इन द मेमोरी. और अगर इस दौरान अगर हम पेजेस को अंदर लेकर आते हैं तो वो ओएस को उसके ऊपर ओवरराइट करना पड़ता है कुछ पेजेस को और यही जो पेज चोसन होता है उसी को हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी. जो पेज हम रिप्लेस करने वाले हैं उसको. फिर हम बात कर लेते हैं डर्टी पेज या फिर डर्टी बिट की. इफ द पेज इन द मेमोरी हैज़ बीन मॉडिफाइड यानी कि उसको अगर हमने कुछ चेंजेस कर लिए उसके अंदर आफ्टर इट वॉज लोडेड फ्रॉम द डिस्क इट इज कॉल्ड एज डर्टी पेज. यानी कि उसके वो कुछ ख़राब हो गया काइंड ऑफ वो पहले जैसे नहीं रहा तो वो डर्टी पेज माना जाता है. नाउडेज वन बिट इज यूज टू इंडिकेट वन बिट जो एक बिट होता है उसे हम इंडिकेट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पेज. और यही जो एक सिंगल बिट होता है उसे हम कहते हैं डर्टी बिट. डर्टी का मतलब बेसिकली होता है चेंज करना, मॉडिफाई करना. फिर पेज डिमांड पेजिंग की हम बात कर लेते हैं. इसमें एक पेज हम लाया जाता है ओनली व्हेन इट इज़ डिमांडेड. डिमांड से हमें पता चलता है कि जब डिमांड होती है तभी हम पेज लाते हैं. व्हेन द पेज फॉल्ट रिजल्ट्स जब भी पेज फॉल्ट अगर होता है यानी कि जब हम बाहर से बेसिकली पेज हम लाते हैं मेन मेमोरी के अंदर देन ओनली पेज इज लोडेड इन द मेमोरी. इन दिस स्कीम लॉट्स ऑफ पेजेस रिमेन इन द मेमोरी. तो इस ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसे हम कहते हैं पेज डिमांडिंग. इसके बाद जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI ये टॉपिक ओमिटेड है अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ पैनेमिक. तो हम इसे फिलहाल के लिए नहीं पढ़ेंगे. सो फ्रेंड्स डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं एक्सेस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ OS के अंदर. और ये भी काफ़ी ये जो है इसके अंदर का जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये सेक्टर ऑफ OS के अंदर. और फ्रेंड्स विद अवर स्टेट हम स्टार्ट करते हैं. सिक्योरिटी सिस्टम बेसिकली हमें पूछा जाता है सबसे पहले कि डिफाइन सिक्योरिटी या फिर एक्सप्लेन द टर्म ऑफ सिक्योरिटी इस तरह से. तो सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सिक्योरिटी सिस्टम्स विल कंट्रोल थ्रू द यूज ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर्स एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन दैट ओनली ऑथराइज इंडिविजुअल्स और प्रोसेसेस ऑपरेटिंग ऑन देयर बिहाफ विल हैव एक्सेस टू एक्सेस राइट्स. एक्सेस राइट्स का मतलब होता है रीड राइट क्रिएट या फिर डिलीट. तो इसका मतलब सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो कंट्रोल करता है. कंट्रोल किससे करता है? स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर्स से वो कंट्रोल करता है. क्या कंट्रोल करता है? एक्सेस को कंट्रोल करता है. एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कि सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज इंडिविजुअल्स या फिर जो प्रोसेस ऑपरेटिंग ऑन बिहाफ यानी कि
जो कि ऑथराइज इंडिविजुअल्स और उनके बिहाफ में जो ऑपरेटिंग प्रोसेसेस रहते हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेस राइट्स मिले, यानी कि डिलीट राइट, रीड क्रिएट करने की राइट्स मिले, जिसे हम एक्सेस राइट्स कहते हैं। तो ये जो सारा कंट्रोल है वो सिक्योरिटी सिस्टम करता है। इसके अंदर हमें कुछ तीन एलिमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स के, जिसे हम कहते हैं CIE। सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, आई मतलब इंटीग्रिटी, थर्ड ए मतलब अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब है कि इंफॉर्मेशन जो कि एक्सेस नहीं है अनऑथराइज्ड मैनर में, इसका मतलब है कि कंट्रोलिंग रीड ऑपरेशंस। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब रीड ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। इंटीग्रिटी मतलब इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अमेंडेड, अमेंडेड यानी कि चेंज या फिर मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, ना कि डिलीटेड होना चाहिए इन एन अनऑथराइज्ड मैनर। ये जो है इंटीग्रिटी वो हम कंट्रोल करते हैं राइटिंग ऑपरेशंस के थ्रू। फिर है अवेलेबिलिटी, यानी कि इंश्योर करना कि इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए तुरंत अवेलेबल हो जाए एट अ राइट टाइम। और ये हम कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग हम एक्सेस करते हैं अवेलेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द रीडिंग बाय द रीड एंड डिलीट ऑपरेशंस एंड इंश्योरिंग फॉल्ट रिकवरी। तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के एलिमेंट्स ऐसे पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन सिक्योरिटी एंड द एलिमेंट्स ऑफ, थ्री एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर 3 marks, या फिर इस तरह से हमें ये याद रखना है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स की। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम ये जो थ्री मतलब जो 5 major threats है सिक्योरिटी के अंदर, उसके कैटेगराइजेशन उसके डायग्राम के साथ पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेड क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है अभी एग्जाम में भी। सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हैं तो शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटिंग। और जितना ज़्यादा हम शेयर करते हैं उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है सिक्योरिटी थ्रेट्स का। और PC जो है वो इंडिविजुअल के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन MS-DOS जो है वो MS-DOS जैसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एरिया नहीं होते हैं, इसके लिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एरिया नहीं होते हैं इसके अंदर। और इसलिए जो PC है ओली डेज के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ वो सिक्योरिटी के लिए हमने रूम के अंदर उसे लॉक करना पड़ता था वगैरह, और जहाँ पे PC फ्लॉपी डिस्क वगैरह रखे होते हैं वो रूम को लॉक करना पड़ता था। लेकिन अभी जो है वो इस तरह से हम नहीं करते हैं। टुडे नंबर ऑफ़ PC जो है नेटवर्क टुगेदर हम करते हैं और वो हम शेयर कर सकते हैं उसके अंदर का डेटा और प्रोग्राम को, और इसी के चलते सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं। और हमें 5 security threats पर हैं उनके डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, टैपिंग, डिस्क्लोजर, अमेंडमेंट, फैब्रिकेशन और डिनाइल। तो हम देख सकते हैं टैपिंग मतलब अनऑथराइज यूज ऑफ सर्विस, डिस्क्लोजर मतलब अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, अमेंडमेंट मतलब अनऑथराइज ऑल्टरेशन और डिलीशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, फैब्रिकेशन मतलब अनऑथराइज फैब्रिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, और डिनाइल मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस टू ऑथराइज यूजर्स। इसके अंदर जो है वो टैपिंग और डिस्क्लोजर का इस तरह से है, ये थर्ड पार्टी के अंदर इन्फॉर्मेशन जाता है और फिर इसके अंदर इसके थ्रू ऐसे इनडायरेक्टली जाता है, चेंज किया जाता है, ऑल्टर किया जाता है बेसिकली। और फैब्रिकेशन के अंदर हम देख सकते हैं इस तरह से डिनाइल का मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो पास नहीं हो पाता। और टैपिंग और डिस्क्लोजर जो है वो पैसिव थ्रेट्स है, और बाकी सब जो है ये सारे तीन वो एक्टिव थ्रेट्स हैं। और फर्स्ट टू केसेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी में जाता है, लेकिन टैपिंग के अंदर थर्ड पार्टी एक्सेस करता है ए और बी के नॉलेज के बिना एक्सेस कर लेता है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, बल्कि डिस्क्लोजर में जो है वो ए जो है वो उसको थर्ड पार्टी के को इन्फॉर्मेशन विलिंगली डिस्क्लोज करता है। तो इस तरह से ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो याद रखने हैं। अटैक्स ऑन सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी कई बार हमने क्वेश्चंस यहाँ पे PYQ में आपको मिलेगा अटैक्स ऑन सिक्योरिटी से। फर्स्ट अटैक ऑन सिक्योरिटी है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि वेरीफाई करना एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज। और इसी के चलते यहाँ पे 5 methods है जो हम अटैक सिक्योर मतलब जो सिक्योरिटी के अंदर अटैक्स हो सकते हैं थ्रू ऑथेंटिकेशन। सबसे पहला पासवर्ड को गेस करना या फिर स्टील करना, समबडी एल्सेस पासवर्ड उसे यूज़ करना। सेकेंड है कि वेंडर सप्लाइड पासवर्ड को यूज़ करना, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का वो होता है पासवर्ड। थर्ड है कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड को पासवर्ड को फाइंड कर रहे हैं। फोर्थ है कि हम यूजर्स जो भी यूज़र लॉग ऑन करता है और अगर वो टी के लिए चले जाता है तो हम टर्मिनल के ऊपर जाकर खुद उसको एक्सेस कर देते हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो इस तरह से ये अटैक हो सकता है। फिर राइटिंग डमी लॉग इन प्रोग्राम फॉर टू फोन यूज़र, यानी कि एक हम डमी प्रोग्राम बनाते हैं लॉग इन प्रोग्राम और उससे हम पासवर्ड वगैरह एक्सेस करते हैं। तो ये सारे सिक्योरिटी अटैक्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्राउजिंग। इन सब सिस्टम देयर एग्जिस्ट फाइल्स विथ
एक्सेस कंट्रोल्स विच आर वेरी परमिसिव, यानी कि कुछ ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो फाइल्स के अंदर जो भी एक्सिस्ट वो करते हैं, जो कि कंट्रोल बेसिकली एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं जो परमिसिव होते हैं, यानी कि परमिशन मांगते हैं पहले. वन कैन ब्राउज थ्रू द सिस्टम फाइल्स टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन, आफ्टर विच अनप्रोटेक्टेड फाइल्स या फिर डेटाबेसिस जो है वो ईजिली एक्सेस हम कर सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर हम फाइल्स को अगर हम सिस्टम फाइल्स के अंदर ब्राउज करते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, और ये जो है अनप्रोटेक्टेड फाइल्स और डेटाबेसिस को जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो सकते हैं. कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी रेड और इवन मॉडिफाइड. तो ब्राउजिंग के अंदर क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हम रीड कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ट्रैपडोर्स की बात करते हैं तो समटाइम्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लीव सम सीक्रेट एंट्री पॉइंट टू मॉडिफाई देयर प्रोग्राम्स एंड दीज आर कॉल्ड एज ट्रैपडोर्स, और यही हम वो जो अदर दूसरे लोग हैं वो उसे मिसयूज करते हैं. यानी कि बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो अपने प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करने के लिए कुछ एक सीक्रेट एंट्री पॉइंट रखते हैं, और वही जो है वो दूसरे लोग उसे मिसयूज कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं ट्रैपडोर्स. नेक्स्ट है इनवैलिड पैरामीटर्स. पासिंग इनवैलिड पैरामीटर्स में कॉज सीरियस सिक्योरिटी वायलेशंस, यानी कि इनवैलिड पैरामीटर्स को अगर हम पास ऑन कर देते हैं तो वो सिक्योरिटी वायलेशंस को कॉज कर सकता है. फिर है लाइन ट्रैपिंग. इसका मतलब है कि स्पेशल टर्मिनल यूज टू टैप इन टू द कम्युनिकेशन लाइन एंड इट कॉजेज एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डेटा. इसका मतलब है लाइन ट्रैपिंग. फिर है मतलब कम्युनिकेशन लाइन के अंदर हम कुछ इस तरह से करते हैं, स्पेशल टर्मिनल हम यूज़ करते हैं ताकि हम उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन लाइन. तो इसका मतलब होता है लाइन ट्रैपिंग. फिर है इलेक्ट्रिक डेटा कैप्चर. इसका मतलब है यूज ऑफ एक्टिव और पैसिव वायर ट्रैप्स और मैकेनिज्म टू पिक अप स्क्रीन रेडिएशन एंड टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेटा कैप्चर. इसका ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसका मतलब है कि हम एक्टिव या फिर पैसिव वायर ट्रैप्स या फिर इस तरह का कुछ मैकेनिज्म बनाते हैं कुछ के स्क्रीन रेडिएशन को पिकअप करके कुछ इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं जो कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक डेटा कैप्चर. फिर है लॉस्ट लाइन. मतलब है कि नेटवर्किंग के अंदर जो भी लाइन लॉस्ट होती है तो इन सच केस ओएस जो है इट कैन लॉग आउट अ यूजर एंड अलाउ एन एक्सेस ओनली आफ्टर री एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर, एंड सम ओएस जो है कैन नॉट डू दिस एंड सच केसेस फ्लोटिंग प्रोसेस कैन बी एक्सेस बाय एन अनऑथराइज्ड यूजर. तो जब भी लाइन का कट ऑफ हो जाता है मतलब नेटवर्किंग के अंदर जो भी लाइन लॉस्ट होती है तो कुछ ओएस जो है वो लॉग आउट होते हैं, वो जो सिस्टम है वो लॉग आउट होती है और यूज़र, और फिर वो जो है एक्सेस सिर्फ तभी एक्सेस कर सकते हैं यूज़र को जब भी वो रीएस्टैब्लिश मतलब दोबारा से लाइन ऑनलाइन हो जाए, लेकिन कुछ ओएस वो नहीं कर पाते हैं और जो वो फ्लोटिंग प्रोसेस है वो अलग जो अनऑथोराइज यूजर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं. इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि ओएस जो है समटाइम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर मे नॉट लैन एक्सेस कंट्रोल प्रॉपरली एंड विच मे लीड टू सम यूजर्स टू हैव टू मेनी प्रिविलेजेस एंड अदर्स वेरी फ्यू एंड दिस डिस्क्लोजर और डिनाइल ऑफ सर्विसेज, यही कॉज करता है डिस्क्लोजर या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस, और यही होता है इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल. और फिर हम बात करते हैं वेस्ट रिकवरी की. बाय यूजिंग सम टेक्निक्स डिलीटेड फाइल्स जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं वेस्ट मतलब डिलीटेड फाइल्स. साथ ही पासवर्ड्स जो कि हैं हम डिलीट कर दिए हैं या फिर हमने अगर नया कुछ पासवर्ड बनाया है तो जो पहला का पासवर्ड है वो भी हम रिकलेक्ट कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं वेस्ट रिकवरी. सिमिलरली रोग सॉफ्टवेयर यानी कि सर्टेन प्रोग्राम्स लाइक वर्म्स वायरसेस अटैक्स सिस्टम के ऊपर अटैक्स कर देते हैं. वर्म्स वायरसेस क्या होता है वो हम अभी पढ़ने जाएंगे. सो फ्रेंड्स आई होप कि आपके ये सारे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो आपको मतलब आपको समझ में आ गए होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस इसमें फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. और सबसे मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर का द लास्ट कॉन्सेप्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर वर्म्स और कंप्यूटर वायरसेस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बहुत बार. और इसके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन या फिर सेपरेटली कंप्यूटर वर्म्स व्हाट इज कंप्यूटर वायरसेस, इस तरह से कंप्यूटर वर्म्स और कंप्यूटर वायरसेस का मतलब है कंप्यूटर वर्म्स जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम होते हैं बाय सेल्फ, और वो इस तरह से लिखे जाते हैं कि वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं और वो जो नेटवर्क रिसोर्सेज है वो कंज्यूम करते हैं टू लार्ज एक्सटेंट, और नेटवर्क को वो हॉल्ट में ला सकते हैं.
एट जेरोक्स रिसर्च सेंटर जो रिसर्च साइंटिस्ट है दे वांट टू कैरी आउट लार्ज कॉम्प्यूटेशंस हैविंग आइडेंटिफाइड डिफरेंट पीसेस ऑफ कॉम्प्यूटेशंस दे डिजाइन स्मॉल प्रोग्राम्स यानी कि वर्म्स विच वुड देमसेल्व्स स्प्रेड ओवर टू कंप्यूटर्स और यहीं से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इनिशलाइज हुआ है. दिस वर्म कुड एग्जीक्यूट एन आइडल मशीन इफ सूटेबल अदरवाइज दे वुड कंटिन्यू टू हंट फॉर अदर मशीन्स. तो यही है ओरिजिनल पर्पस ऑफ वर्म्स. और एक्चुअल में देखे गए तो वर्म्स जो है वो दूसरे प्रोग्राम्स को हार्म नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्प्रेड हो जाते हैं और बहुत सारे लार्ज रिसोर्सेज जो है जैसे ट्रांसमिशन कैपेसिटी, डिस्क स्टोरेज, डिनाइंग सर्विसेज टू अदर्स, ये सारे जो है रिसोर्सेज वगैरह वो कंज्यूम कर लेते हैं लार्ज एक्सटेंट तक. वर्म्स जो है मेलिंग लिस्ट उनके पास मिल जाती है और वही यूज़ करके जो है वो अपनी कॉपी बनाकर वो अलग अलग एड्रेसेस जो कुछ भी मेलिंग लिस्ट के अंदर है वो एड्रेसेस के अंदर की कॉपी बेचते हैं. द वर्म इज हार्मफुल टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग ओवर इंटरनेट. इन नेटवर्क के थ्रू जो ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट किए जाते हैं उनके लिए वो हार्मफुल है. वर्म कैन बी प्रोटेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड वेरियस चेक पॉइंट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. तो ये है एक तरीका वर्म को प्रोटेक्ट करने का. कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं तो ये एक प्रोग्राम सेगमेंट होता है. वायरस मतलब एक प्रोग्राम सेगमेंट होता है और जो कि लिखा जाता है विद क्लियर इंटेंशन ऑफ इन्फेक्टिंग अदर प्रोग्राम्स. तो कंप्यूटर वर्म्स इन्फेक्ट नहीं करते अदर प्रोग्राम्स बल्कि कंप्यूटर वायरसेस वो करते हैं. इट गेट्स ऑन टू मेनी यूजफुल प्रोग्राम्स बल्कि ये यूजफुल प्रोग्राम्स के लिए हार्मलेस होता है, डज नॉट हार्म अदर प्रोग्राम्स और ये यूजफुल प्रोग्राम्स के अंदर घुस जाते हैं. वायरस इज नॉट ए कम्प्लीट प्रोग्राम. और यहाँ पे इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन है कि वर्म इज कंप्यूटर वर्म इज अ कम्प्लीट प्रोग्राम बाय इटसेल्फ बल्कि वायरस इज नॉट ए कम्प्लीट प्रोग्राम. इट कैन नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली और ये स्प्रेड हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली. वायरस कॉजेज डायरेक्ट हार्म टू द सिस्टम बल्कि यहाँ पर इट डज नॉट कॉज हार्म टू द सिस्टम. इट कैन करप्ट कोड एंड डेटा और ये सिर्फ नेटवर्क को कंज्यूम करता है. तो ये बेसिक डिस्टिंग्विश बिटवीन है. बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्म्स वायरसेस हो सकते हैं जो कि है बूट सेक्टर इन्फेक्टर्स, मेमोरी रेसिडेंट इन्फेक्टर्स और फाइल स्पेसिफिक इन्फेक्टर्स. सिमिलरली कमांड प्रोसेसर इन्फेक्टर्स और जनरल पर्पस इन्फेक्टर्स. सो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्फेक्टर्स क्यों दिया है, जैसे हमारी रियल लाइफ में वायरसेस की वजह से इन्फेक्शन होता है इसी तरह से ये जो वायरसेस है वो अलग अलग प्रोसेसर में इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए ये सारे इन्फेक्टर्स इन्फेक्टर्स आपको दिखाई देता होगा. तो इस ये हमें बहुत बार हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कुछ भी ये जो जो क्लासिफिकेशन है वो वायरसेस का उसे हम एक्सप्लेन करें. तो बेसिक क्लासिफिकेशन जो बूस्ट सेक्टर इन्फेक्टर्स है इसके अंदर क्या होता है, वायरसेस कैन गेट इनटू सिस्टम मेमोरी यानी कि बेसिकली जो सिस्टम की मेमोरी होती है उसके अंदर वो घुस जाते हैं. इफ द मशीन इज बूटेड विद एन इन्फेक्टेड फ्लॉपी और हार्ड डिस्क. तो अगर हमने मशीन को बूट कर दिया एक इन्फेक्टेड फ्लॉपी या फिर हार्ड डिस्क से तो वायरसेस के अंदर घुस जाता है सिस्टम मेमोरी के अंदर. मेमोरी रेसिडेंट इन्फेक्टर का मतलब है कि इट लोड अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ एन इन्फेक्टेड फाइल यानी कि जब हम इन्फेक्टेड फाइल को अपलोड कर देते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो मेमोरी के अंदर रेसिडेंट इन्फेक्टर घुस जाता है. सब्सिक्वेंटली वेन एवर अ नॉन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड तो वायरस जो है वो इन्फेक्ट होता है. फाइल स्पेसिफिक इन्फेक्टर्स की बात करते हैं तो इन्फेक्शन अकर्स वेन एन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड. जब भी एक इन्फेक्टेड फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है तभी फाइल स्पेसिफिक इन्फेक्टर्स का हमें प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है. द वायरस देन लोड्स इट्स एट वायरल कोड इन टू द मेमोरी एंड इन एडिशन टू द इन्फेक्टिंग द वायरस कैन ऑल्सो रीबूट द सिस्टम. तो इस तरह से जो भी होता है तो ये इसके अंदर आ जाता है फाइल सेक्टर फाइल स्पेसिफिक इन्फेक्टर्स के अंदर. फिर हम जो जनरल पर्पस इन्फेक्टर्स की बात करते हैं तो ये EXE यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होते हैं उन्हें वो इन्फेक्ट कर देते हैं. सिमिलरली कमांड प्रोसेसर इन्फेक्टर हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 205 इस तरह से है तो साइज ऑफ वायरस जो है वो 205 बाइट्स है. इसके सिम्टम्स हैं इन्फेक्टेड फाइल्स इंक्रीज बाय 205 बाइट्स. तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो कमांड प्रोसेसर इन्फेक्टर्स होते हैं. इन्फेक्शन अकर्स वन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड. जब भी इस तरह से कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब कोई भी इन्फेक्टेड फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है तभी इन्फेक्शन अकर हो जाता है. द वायरस देन लोड्स इज वाइटल कोड इन टू द मेमोरी. तो जो तभी वायरस जो है वो अपना वाइटल वायरल जो कोड है
वो मेमोरी के अंदर लोड कर देता है, और जब भी मेमोरी रेसिडेंट अगर उसके अंदर हो जाता है 205, तो तभी इट इज़ एबल टू इन्फेक्ट कॉम फाइल्स एज दे आर एक्सेस्ड। तो इस तरह से सारी जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो हमें याद रखना है। इसके बाद हम इन्फेक्शन के मेथड्स की बात कर लेते हैं, जो कि है अपेंड, रिप्लेस, इंसर्ट, ट्रीट और रीडायरेक्ट। अपेंड का मतलब है कि वायरल कोड अपेंड्स इटसेल्फ टू एन अनअफेक्टेड प्रोग्राम। रिप्लेस का मतलब है वायरल कोड रिप्लेसेस द ओरिजिनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कम्प्लीटली या फिर पार्शियली। इंसर्ट का मतलब है वायरल कोड इज इंसर्टेड इन द बॉडी ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम टू कैरी आउट सम फनी एक्शंस, इसका मतलब है इंसर्ट। फिर डिलीट का मतलब है वायरल कोड जो है वो कुछ कोड डिलीट कर देता है एग्जीक्यूटेबल कोड में से। रीडायरेक्ट का मतलब होता है नॉर्मल कंट्रोल जो होता है लो, नॉर्मल कंट्रोल लो ऑफ प्रोग्राम, वो चेंज कर दिया जाता है टू एग्जीक्यूट सम अदर कोड। तो इस तरह से हमारे पास 5 इन्फेक्शन के मेथड्स होते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो वायरस वर्क्स इन अ नंबर ऑफ वेज। सबसे पहला है कि डेवलपर ऑफ द वायरस इज अ ब्राइट पर्सन हु नोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो कोई भी वायरस को डेवलप करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से जानता है। टिपिकली वायरसेस आर डेवलप्ड अंडर MS-DOS। वायरसेस जो है वो स्प्रेड होते हैं गेम्स के थ्रू, अनऑथराइज सॉफ्टवेयर के थ्रू, एंड दे आर डिस्टर्ब्ड टू पीपल फ्री ऑफ चार्ज। सिमिलरली अगर हम वायरस डिटेक्शन की बात करते हैं तो वायरस डिटेक्शन प्रोग्राम्स चेक्स फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ बाइनरी फाइल्स। प्रोग्राम अगर मेंटेन करता है चेकसम ऑफ ईच फाइल, तो अगर मिसमैच मिल जाती है तो वो इंडिकेट करता है कि वो वायरस है। सम प्रोग्राम्स रिसाइड इन मेमोरी एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटर मेमोरी एंड इनपुट प्रिपरेशन। ये हो गया वायरस डिटेक्शन के बारे में। वायरस रिमूवल का मतलब होता है कि कुछ वायरसेस जो है वो बिट पैटर्न के अंदर, कोड के अंदर जो है वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। द वायरस रिमूवल प्रोग्राम स्कैन्स डिस्क फॉर पैटर्न ऑफ नोन वायरसेस, और अगर वो डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसके रिमूव कर देते हैं। एंड द डेटा और रिकवरी जो है वो इम्पॉसिबल होता है। लेकिन सो फ्रेंड्स, ये हो गया वायरस रिमूवल के बारे में। इसके बाद है वायरस प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंशन इज़ बेस्ट मेजर कि हम जो है वो हमारे ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम को सेफ गार्ड करके रहें। द सेफेस्ट वे इज़ टू बाय ऑफिशियल लीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज। फ्री अनरिलायबल सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूज़ नहीं करने चाहिए। फ्रीक्वेंट बैकअप और रनिंग ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स भी हमें प्रिवेंशन के लिए हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप इसका ज़रूर ये वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, और ऐसे ही हम और भी सारे वीडियोज़ लेकर आना चाहेंगे अभी। और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।